हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। हर्षा शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन फिर जो अपनी टेस्ट सीरीज थर्ड का आगे का जो क्लास था, उस क्लास को अपन आगे लेके चलते हैं। अपन ने कल एक छोटा सा क्लास किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए थे, और उससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार, जिससे और लोग भी जुड़ जाए। कर्सना, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके ओके, क्लास को शेयर जरूर करिएगा जिससे और लोग जुड़ जाए। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अपन ने 5 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिए थे एक छोटी सी क्लास के अंदर। वैसे जो टेस्ट सीरीज थर्ड के जो सभी क्वेश्चंस थे वो एनक्लेक्स पैटर्न क्वेश्चन है, एक तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। द नर्स इज परफॉर्मिंग ए रेस्पिरेटरी असेसमेंट ऑफ पेशेंट विथ अबनॉर्मल ब्रीथिंग। एक पेशेंट है जिसके अबनॉर्मल ब्रीथिंग का पैटर्न अपने को दिखाई दे रहा है, और उसकी एक नर्स है वो उसकी रेस्पिरेटरी पैटर्न को असेस कर रही है। द पेशेंट ब्रीथिंग इज रिदमिक, रिदमिक है उसकी पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो। एट हैज पीरियड्स ऑफ एपनिया, पीरियड्स ऑफ एपनिया का मतलब है कि उसकी जो रेस्पिरेशन है वो बार बार कुछ टाइम पीरियड के बाद एपनिया हो रहा है। मतलब क्या होता है एपनिया का? मीन्स होता है केसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है? केसेशन ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स आप यूं समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन बीच बीच में उसकी स्टॉप हो रही है। क्या हो रहा है? स्टॉप हो रही है, बंद हो रही है, उसको अपन केसेशन ऑफ रेस्पिरेशन को बोलते हैं एपनिया। तो उसके अंदर पीरियड्स ऑफ एपनिया दिखाई दे रहा है। नर्स वुड बी मोस्ट करेक्ट इन चार्टिंग दिस रेस्पिरेटरी स्टाइल। इस तरह की जो रेस्पिरेशन की जो स्टाइल है उसको अपन एक टर्मिनोलॉजी वर्ड के रूप में बात करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है काइनस्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है एपन्यूस्टिक बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है एटैक्सिक बोलेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करिए। मैं आपको क्वेश्चन को फिर दोबारा समझा देता हूं। एक नर्स है, एक रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रही है पेशेंट का, और उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो रिदमिक है, और उसके अंदर पीरियड्स ऑफ एपनिया देखने को मिल रहा है। तो उस तरह की रेस्पिरेशन को अपन एक टर्मिनोलॉजी वर्ड के रूप में बात करें तो क्या बोलेंगे? ओके, सभी लोग आंसर करिए। विष्णु कुमार, पंचियामल, हर्षा शर्मा, कमला कुमारी, कृष्णा। ओके, मैक्सिमम लोगों के आंसर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन बी, आप सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है, और यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि काइनस्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन अपन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन या फिर हाइपर रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन एंड एपनिया। एपनिया यानी केसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों अल्टरनेटिवली, दोनों सिचुएशन अल्टरनेटिवली दिखाई देती है, यानी एक के बाद एक, यानी एक बार रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक बार रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई है। इस तरह का पैटर्न यदि दिखाई देता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को अपन काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, ये तो अपना राइट आंसर हो गया। इसके अलावा ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन। न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? जब पेशेंट रेस्पिरेशन ले रहा होता है तो वहां पर एक पीरियड ऐसा आता है कि इंस्पिरेशन के बाद वो कुछ टाइम के लिए वहां पे पॉज हो जाती है। जैसे ही रेस्पिरेशन को अपन इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन के बाद कुछ टाइम के लिए वो पॉज हो जाती है, रेस्पिरेशन रुक जाती है, उसके बाद फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन से क्या होता है? डीप रेस्पिरेशन दिखाई देती है, और उस रेस्पिरेशन को अपन न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन बोलते हैं। इसके मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन की आप बात करें, अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो जाता है इसमें? कोमा हो जाता है, यानी पेशेंट कोमा में चला जाता है। क्या हो जाता है इसमें? कोमा में चला जाता है। जब न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन दिखाई देता है तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? कोमा में चला जाता है पेशेंट। एपन्यूस्टिक के अंदर भी यही होता है, इंस्पिरेशन के बाद
कुछ टाइम के लिए रेस्पिरेशन पोज हो जाती है, क्या हो जाती है, पोज हो जाती है, जिसके कारण से वहां पे भी ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो जाती है और वहां पे भी हाइपोक्सिया देखने को मिलता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेशेंट वहां पे भी कोमा में जा सकता है। इसके अलावा एटैक्सिक है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी वर्ड है, ये अनकोऑर्डिनेटेड इम्बेलेंस होता है। क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड इम्बेलेंस होता है। ओके ओके, अनकोऑर्डिनेटेड इम्बेलेंस होता है, उसको अपन एटैक्सिक बोलते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड बी ए पॉसिबल कॉज ऑफ हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी कंडीशंस दी गई है क्वेश्चन में, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि पॉसिबल कॉज ऑफ हाइपर एक्टिव बाउल साउंड को इंडिकेट कर रही है। ऐसा कौन सा कॉज है जो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड कॉज करेगा? क्लियर है? हाइपर एक्टिव बाउल साउंड कॉज करने वाला यहाँ पे रीजन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए बोल रहा है पैरालिटिक इलियस, ऑप्शन बी बोल रहा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑप्शन सी बोल रहा है लेट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी बोल रहा है पेरिटोनाइटिस। ओके, सभी लोग आंसर करिए। आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं, जब तक आप आंसर करिए। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड से मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस से आप समझते हैं, पेरिस्टाल्सिस जब भी बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा? हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगा। जैसे जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे वहां पे क्या होगा? हाइपर एक्टिव बाउल साउंड सुनाई देगी। ओके, और ऐसा कब देखने को मिलता है? जब जब भी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगा तो उस कंडीशन में वहां पे डायरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डायरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जब जब भी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड दिखाई देगा उस कंडीशन में वहां पे क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस को छोड़ के। जैसे इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेरिटोनाइटिस। ये पेरिटोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होता है, उसके बावजूद भी यहां डायरिया देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द अपन ने बात की थी कि जब भी हाइपरएक्टिव बाउल साउंड दिखाई देगा तो वहां डायरिया दिखाई देगा, और हाइपोएक्टिव बाउल साउंड दिखाई देगा तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा। बल्कि कुछ कंडीशंस ऐसी है जिनमें ऐसा नहीं दिखाई देता है, जिनमें से एक एग्जांपल यहां पे पेरिटोनाइटिस भी होता है। बल्कि इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, ओके, कृष्णा, कमला कुमारी, नीलू बी, विष्णु कुमार, ओके, सभी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। ओके, यानी आप सभी लोगों का आंसर क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है? गैस्ट्रिक और एंट्रिक रीजन होता है उसका, जो कंप्लीटली उसके अंदर स्विलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी एक तरीके से अपन ITIS लिखा हुआ है यहां पे, इसका मींस होता है इंफ्लामेशन होना। तो गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर यदि इंफ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। और इंफ्लामेशन के कारण से वहां पे क्या होगा? जो स्टोमक की जो वाल्स है, जो इंटेस्टाइन की वाल्स है, वहां पे इरिटेशन दिखाई देती है। क्या होता है वहां पे? इरिटेशन दिखाई देती है, और इरिटेशन के कारण से क्या होगा? हाइपर एक्टिव बाउल साउंड दिखाई देगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड दिखाई देगा। क्लियर है? और उसके साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा? डायरिया देखने को मिलेगा। ये तो अपना राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए बोल रहा है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक से वर्ड से ही आप समझते हो, पैरालिटिक का मतलब होता है पैरालिसिस होना। जो वहां के एब्डोमेन की जो मसल्स है, जो इंटेस्टाइनल जो मसल्स है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्रिएट करवाती है, वो सभी के सभी मसल्स कैसे हो गई है वहां से? पैरालिटिक हो गई है, और मोस्ट ऑफ द किसकी? इलियस की। ओके, तो उसके कारण से हाइपर एक्टिव बाउल मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, और ना ही वहां पे डायरिया दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बोल रहा है लेट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है अर्ली और दूसरा होता है लेट। क्लियर है? तो यहां पर लेट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगा, यानी लेट का मतलब होता है कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस होगी पहले, और उनके कारण से सेकेंडरी कॉज के रूप में वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन यदि दिखाई देगा तो उसको अपन लेट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जिनके कारण से वहां ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या वहां पे हाइपरएक्टिव बाउल साउंड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, हाइपोएक्टिव होगी। इसमें कैसी होगी? हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होगी, हाइपोएक्टिव होगी। और इस कंडीशन में भी वहां पे कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है, डायरिया नहीं दिखाई देता है। ओके, इसके अलावा ऑप्शन डी,
पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के अंदर वैसे अपन बात करें तो हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होता है। क्या होता है? हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होता है। ओके, बल्कि हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होने के बावजूद भी यहां पे डायरिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डायरिया दिखाई देता है। इसका क्या रीजन होता है, इसको अपन यहां पे समझते हैं। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, जो पेरिटोनियल लेयर होती है उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है। मान लीजिए ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी है और इसके बाहर की तरफ ये पेरिटोनियल लेयर है। ओके, यदि इसमें इंफ्लामेशन होगा, यदि इसमें इंफ्लामेशन होगा तो चारों ओर से ये जो एब्डोमिनल कैविटी होगी उसको कंप्रेस करेगी। कंप्रेस होगी तो जो इसका इंटरनल जो जगह है, जो अंदर की जो जगह है, जो स्पेस है, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, चारों तरफ से कंप्रेस होगा। तो इस कंप्रेशन के कारण से वहां पे डायरिया दिखाई देता है। जब अपन एक गुब्बारा लाइक एक स्ट्रक्चर है और उसको बाहर से अपन कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, फ्लूड बाहर निकलेगा। उसी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे डायरिया दिखाई देता है। बल्कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो वहां पे इंक्रीज नहीं होती है, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड ही वहां पे दिखाई देता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी फॉर असेसमेंट फॉर ए पेशेंट हु इज टेकिंग डिजोक्सिन इन लास्ट 6। एक पेशेंट है और उसको कौन सी ड्रग चल रही है यहाँ पे, एक तो डिजोक्सिन चल रहा है और दूसरा क्या चल रहा है यहाँ पे, लास्ट 6 चल रहा है। जब डिजोक्सिन और लास्ट 6 किसी पेशेंट को चल रहा है तो वहां पे प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, यानी प्रायोरिटी क्वेश्चन है, प्रायोरिटी वाइज पूछा गया है, तो उसका प्रायोरिटी असेसमेंट क्या दिखाई देगा। ऑप्शन ए, क्या वहां पे नाइट स्वीट्स दिखाई देंगे, उसको नाइट के अंदर पसीना आएगा और हेडेक दिखाई देगा। ऑप्शन बी बोल रहा है वोमिटिंग एंड हेलोज अराउंड लाइट्स दिखाई देगा। ऑप्शन सी बोल रहा है स्टोमक अपसेट दिखाई देगा, हेडेक दिखाई देगा वहां पे। ऑप्शन डी बोल रहा है लो ब्लड प्रेशर और डार्क यूरिन दिखाई देगा। ओके, आंसर करिए सभी लोग। इसके साथ ही साथ ऑप्शन बी को मैं आपको बता दूं, वोमिटिंग एंड हेलोज अराउंड लाइट को अपन ब्लड विजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लड विजन भी बोल सकते हैं। ओके, इसको अपन ब्लड विजन भी बोल सकते हैं। ओके, आंसर करिए सभी लोग। ओके, दिलकुश वर्मा, वेरी गुड नोन। ओके, आंसर करिए सभी लोग। कर्सना, मेनका मीना, नीलू बी, विष्णु कुमार, दिलकुश वर्मा, अंकिता गुलेरिया। ओके, सभी लोगों के बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बी वोमिटिंग एंड हेलोज अराउंड लाइट, यानी ब्लड विजन। इसका जो डिजोक्सिन इस पेशेंट को चल रहा है तो डिजोक्सिन का जो साइड इफेक्ट की अपन बात करते हैं, जो डिजोक्सिन होता है, डिजोक्सिन के यदि साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट वोमिटिंग होता है वहां पे। क्या होता है? वोमिटिंग होता है। और क्या होता है वहां पे? एनोरेक्सिया होता है। और ब्लड विजन वहां पे दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसके कारण से यहां पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा ऑप्शन ए है तो इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन यहां पे नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन सी में है स्टोमक अपसेट एंड हेडेक, तो ऐसा भी यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ये जीआईटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी बोल रहा है लो ब्लड प्रेशर एंड डार्क यूरिन, ऐसा कब दिखाई देता है? ये डिहाइड्रेशन के कंडीशन में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में। जब भी किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा वहां पे? हाइपोवोलेमिया होगा। और हाइपोवोलेमिया होगा तो क्या होगा वहां पे? ब्लड ऑस्मोलरिटी है वो क्या होगी वहां पे? इंक्रीज होगी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां पे बढ़ जाएगी। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो वहां पे किस तरह का यूरिन दिखाई देगा वहां पे? क्योंकि यूरिन कैसा हो जाएगा वहां पे? यूरिन डिक्रीज होगा तो वहां पे डायरेक्ट यूरिन दिखाई देगा। कैसा होगा? डायरेक्ट यूरिन वहां पे दिखाई देगा। और जब हाइपोवोलेमिया होगा तो उस कारण से लो ब्लड प्रेशर भी दिखाई देगा। ओके, तो वो सभी कंडीशंस जिसमें हाइपोवोलेमिया होता है, उस सभी कंडीशंस के अंदर डायरेक्ट यूरिन जैसी वहां पे पॉसिबिलिटीज है वो वहां पे दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच मेडिकल गेस इज इन द कनिस्टर ऑन द राइट।
कनिष्ठ से आप क्या समझते हैं? जब हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आईसीयू के अंदर, सभी जगह ऑक्सीजन के जो इक्विपमेंट होते हैं, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं, उनको रखने के लिए वहां पे ट्रॉली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कनिष्ठ बोलते हैं। ओके, तो उस कनिष्ठ के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के या फिर जितने भी गैसेज होती है, मेडिकल गैसेज होती है, मोस्ट ऑफ दी अपन बात करते हैं तो पांच गैसेज होती है मोस्ट ऑफ दी, जिनको अपन मेडिकल गैसेज बोलते हैं, वो सभी गैसेज वहां पे एक वहां पे क्रम के रूप में वहां पे अरेंज रहती है। तो उनमें पूछा है कि राइट साइड के अंदर उस कनिष्ठ के अंदर कौन सी गैस अपन रखेंगे, कौन से मेडिकल गैस को अपन रखेंगे। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर करिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का अच्छा आंसर नहीं आ पाया है, बल्कि कोई बात नहीं, हर्षा शर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छा, ज्यादातर लोगों का अच्छा आंसर नहीं आ पाया है, बल्कि कुछ लोगों का अच्छा आंसर आया है। ओके, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, है ना, जितने भी लोग हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, कमला कुमारी कोई बात नहीं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को राइट साइड में रखा जाता है, बिल्कुल जो कनिष्ठ होता है, इस कनिष्ठ के अंदर बिल्कुल राइट साइड के अंदर जो गैस होती है उसको अपन CO2 बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उधर अपन रखते हैं। ओके, इसके अलावा इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, और एयर वहां पे होती नहीं है। ओके, फाइव मेडिकल गैसेज होती है वो अलग होती है, बल्कि एयर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन और सिम्टम वुड यू एक्सपेक्ट इन ए पोस्टपार्टम पेशेंट एक्सपीरियंसिंग सब इन्वोल्यूशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो एक पोस्टपार्टम पेशेंट की सब इन्वोल्यूशन को इंडिकेट करता है। एक पेशेंट है और उसका सब इन्वोल्यूशन है, उसको इंडिकेट करने वाले साइन सिम्टम कौन से है। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है वहां पे बोगी यूट्रस दिखाई देगा, ऑप्शन बी बोल रहा है बोर्ड लाइक एब्डोमन वहां पे दिखाई देगा, ऑप्शन सी बोल रहा है डिक्रीज फंडल हाइट वहां पे दिखाई देगी, और ऑप्शन डी बोल रहा है इंक्रीज ब्लीडिंग वहां पे दिखाई देगी। ओके, आंसर करिए सभी लोग। ओके, सभी लोग आंसर करिए, क्लास को लाइक करिएगा सभी लोग, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ओके ओके, आंसर करिए सभी लोग, सब इन्वोल्यूशन को समझिए, सब इन्वोल्यूशन क्या होता है। तब भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी अपन बात करते हैं, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस है या फिर सभी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जो इस कंप्लीट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी की साइज पहले इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आफ्टर डिलीवरी सभी के सभी ऑर्गन अपने नॉर्मल कंडीशंस में वापस आते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ओके, और जब ये सभी के सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपनी नॉर्मल कंडीशंस में यदि नहीं आ पाते हैं, कोई कोई कॉम्प्लिकेशन वहां पे डेवलप होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। यानी एक तरीके से या तो वो कम वापस इन्वोल्यूशन में है, यानी नॉर्मल कंडीशंस में या तो कम आए हैं या फिर आए ही नहीं है, तो उस तरह के कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। यदि पोस्टपार्टम पेशेंट है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसका यूट्रस है वो सब इन्वोल्यूशन है, यानी अपनी नॉर्मल कंडीशंस में वापस नहीं आ पाया है, तो इसको इंडिकेट करने वाले साइन सिम्टम कौन से है। आंसर करिए सभी लोग। ओके, ओके, ज्यादातर लोगों के अच्छे आंसर नहीं आ पाए हैं, बल्कि कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड दिलकुश वर्मा, ओके ओके, डिस्कस करते हैं, ज्यादातर लोगों के अच्छे आंसर नहीं आ पाए हैं, बल्कि कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी यूट्रस का सब इन्वोल्यूशन होगा, यानी नॉर्मल कंडीशंस में वापस नहीं आ पाया है, तो उस तरह की कंडीशन में यूट्रस कैसा दिखाई देगा, वहां पे बोगी यूट्रस दिखाई देगा। बोगी से आप क्या समझते हैं, यूट्रस एक तो इस तरीके से है, जो यदि उसके अंदर यूट्रस के अंदर यदि बेबी रहेगा
तो उस कंडीशन में भी हार्ड लाइक दिखाई देगा, और जब बेबी बाहर आ जाएगा और इसका इन्वोल्यूशन हो जाएगा तो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो वहां पे भी हार्ड दिखाई देगा। बट यदि बेबी बाहर आने के बावजूद भी वो इसी तरीके से अपने लोकेशन में है, यदि वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन में नहीं आ पाया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोगी लाइक दिखाई देता है। यानी इसी तरीके से एक तरह से अपन दबाते हैं किसी चीज को तो आसानी से वहां पे दब जाता है, स्टेबल टाइप का हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बोगी यूट्रस बोलते हैं। ओके, तो ये बोगी यूट्रस दिखाई देगा। इसके अलावा बोर्ड लाइक एब्डोमन है, वो एक अलग कंडीशंस है। ओके, ये जीआईटी की प्रॉब्लम है उसमें दिखाई देता है, इस तरह की कंडीशंस में ये नहीं दिखाई देता है। कोई इन्फेक्शन हो जाता है पेट का, एब्डोमन का, तो दिखाई देता है। डिक्रीज फंडल हाइट, डिक्रीज फंडल हाइट तब दिखाई देगी जब इन्वोल्यूशन हो जाएगा। सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन में इंक्रीज हाइट दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, इंक्रीज हाइट दिखाई देती है। हाइट इंक्रीज और डिक्रीज होने का मींस यहां पे सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर जो जितना एब्डोमन रहता है उस एब्डोमन की फंडल हाइट है वो डिक्रीज होना और इंक्रीज होना से है। जब डिक्रीज तब होगी जब उसका कंप्लीटली इन्वोल्यूशन हो गया हो, और जब इंक्रीज की इंक्रीज ही दिखाई तब देगी जब उसका इन्वोल्यूशन नहीं हुआ हो, मीन्स वहां पे सब इन्वोल्यूशन हो। ओके, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी बोल रहा है इंक्रीज ब्लीडिंग। देखो, इंक्रीज ब्लीडिंग एक कॉम्प्लिकेशन है, सब इन्वोल्यूशन की भी हो सकती है, बल्कि ये तब दिखाई देती है जब यूट्रस की टोन इंक्रीज हो। यूट्रस की जो मसल्स है वो इंक्रीज हो, उनकी टोन, मसल टोन इंक्रीज हो। ओके ओके, तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, बोगी यूट्रस इसके अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, हर क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच नर्सिंग एक्शन परफॉर्मेड करेक्टली व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर नेवली पैलेस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, ओके, और वहां पे अपन उसका परफॉर्मेड देखते हैं या फिर उसका असेसमेंट करते हैं, तो वहां पे उसकी जो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है और उस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को अपने को रिप्लेस करना है या फिर उसकी केयर करनी है, तो उस दौरान अपने को किस तरह की केयर उसको प्रोवाइड करनी है। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है द नर्स डीप्स ए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर इनटू स्टराइल सलाइन सॉल्यूशन एंड जेंटली क्लीन अराउंड द इंसर्शन साइट। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वहां पे जो नर्स है वो वहां पे एक कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर उठाएगी और उसको एक सलाइन के अंदर डिप करेगी, और डिप करने के बाद जेंटली यानी हाथों से वहां पे उसको क्लीन कर देगी। डायरेक्टली एक कॉटन पैड उठाया, वो स्ट्राइल है, और उसको एनएस के अंदर भिगो लिया, डिप कर लिया, और उसके बाद उस जगह को जहां पे गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगी हुई उस जगह को अपन क्लीन कर लेंगे। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बोल रहा है द नर्स वेट ए वॉश क्लोथ, कोई भी कपड़ा है धुला हुआ उसको वेट किया, और उसके बाद उससे उस ट्यूब को क्लीन कर लेंगे या फिर वहां पे सोप एंड वाटर से उसको वॉश कर लेंगे। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी बोल रहा है द नर्स एडजस्ट द एक्सटर्नल डिस्क एवरी 3 hours टू अवॉइड क्रस्टिंग अराउंड द ट्यूब। ऑप्शन सी बोल रहा है कि वहां पे जो बाहर वाला जो उसका पुलिंग एरिया है, ट्यूब का एक्सटर्नल जो पार्ट है उसका, ओके, अब वॉइस आ रही होगी, बैटरी रिप्लेस हो गया है, अभी वॉइस आ रही होगी। अभी आ रही है क्या वॉइस? सभी लोग मैसेज छोड़ दे एक बार, वॉइस आ रही है तो। ओके, ओके,
अभी वॉइस आ रही है, ओके थैंक यू, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन का, ओके मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके आंसर ए आ रहे हैं, ओके मोस्ट ऑफ द लोगों के जो आंसर है वो ए आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, और क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर बिल्कुल राइट होता है आपका। क्यों होता है इस चीज को अपन समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा है अपन ने, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और उसका क्या हुआ है, उसको गेस्ट्रोटोमी ट्यूब लगी हुई है, ओके गेस्ट्रोटोमी ट्यूब लगी हुई है और सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव है, तो वहां पे अपन जो भी एक्शन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो स्टाइल तरीके से करेंगे, ओके क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और स्टाइल तरीके से करने। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वहां पे कॉटन पेड वहां से उठाएंगे, और कॉटन पेड कैसे है वहां पे स्टाइल है, और उसको अपन स्लाइन में डिप कर रहे हैं, नॉर्मल स्लाइन में डिप कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्लाइन भी क्या है वहां पे स्टाइल है, कॉमन सी बात है। जब वहां पे सारा का सारा अपन स्टाइल कर रहे हैं वहां पे और उसको क्लीन कर रहे हैं, तो ये अपना बिल्कुल सही एक्शन है और राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि वहां पे कोई भी वॉश किया हुआ क्लोथ है, उसको वेट किया और उसे क्लीन कर दिया, तो वो तो वहां पे इन्फेक्शन कोज कर सकता है, तो इसको अपन नहीं कर सकते, ये एक्शन इसके लिए पर्टिकुलरली सही नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है जब भी उसको हर 3 घंटे से, जो उसकी गैस्ट्रोटोमी ट्यूब लगी हुई है उसको हर 3 घंटे से वहां पे एडजस्ट करेंगे, जिससे वो क्रस्टिंग नहीं हो, तो एक बार अपन गैस्ट्रोटोमी ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसकी लोकेशन को चेंज नहीं किया जाता है, ओके तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा ऑप्शन डी बोल रहा है कि वहां पे गोज ड्रेसिंग करेंगे, तो ऐसा भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जब भी गैस्ट्रोटोमी इंसर्ट करेंगे तो उसका जो वुंड है उसको अपन ओपन रखेंगे, जिसके कारण से वहां पे जल्दी से हीलिंग हो जाए, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, ओके तो राइट आंसर यहाँ पे ए निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके क्वेश्चन नंबर 12, ओके क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फिजिशियन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर जेंटामाइसिन, क्या लगा रहा है, एक फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है नर्स को कि आपको जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाना है, और वो भी कौन से रूट से, आईवी रूट से लगाना है आपको, टू क्लाइंट विद एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है यहां पे, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, ये क्या है यहां पे इसका डायग्नोसिस है, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट है और उसको ऑर्डर दिया गया है कि आपको जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाना है और वो भी आईवी रूट से। Important for the nurse to know that gentamicin is administered. जब भी gentamicin administer करना है, तो वहाँ पे important point क्या है, जिसको nurse को याद रखना चाहिए any time. Option A बोल रहा है, over 1 minute as IV push. 1 minute के अंदर IV push कर देंगे. Option B बोल रहा है, over 2 minute as IV push. Option C बोल रहा है, as an IV site drip over 15 to 20 minute. IV site के ऊपर अपन IV site के द्वारा IV set के द्वारा 15 से 20 मिनट के अंदर उसको अपन इन्फ्यूज करेंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है एज एन आईवी सेट ड्रिप ओवर 30 to 60 मिनट, 30 से 60 मिनट के अंदर उसको अपन इंसर्ट करेंगे, वो भी आईवी रूट से। तो सभी लोग आंसर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकली क्वेश्चन है, ओके आंसर करिए सभी लोग। ओके सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके ज्यादातर लोगों के अच्छे आंसर नहीं आ पाए हैं, बल्कि कोई बात नहीं अपन इसको डिस्कस करते हैं, ओके ठीक है। मैं जेंटामाइसिन के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बता देता हूं कि जेंटामाइसिन से आप क्या समझते हैं, ओके जेंटामाइसिन से क्या समझते हैं, जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। क्या है ये, एंटीबायोटिक ड्रग है और किस तरह के एंटीबायोटिक है, जो सुडोमोनास इंफेक्शन हो जाता है, सुडोमोनास इंफेक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कितने एमजी का आता है ये, मोस्ट ऑफ द 80 एमजी का इंजेक्शन आता है, 80 एमजी इसकी डोज होती है, और जो वाइल होती है वो वाइल 2 ml की होती है, 2 ml के अंदर
80 mg होता है, मींस 1 ml इक्वल टू 40 mg, 1 ml के अंदर 40 mg होता है, तो अपने को एवरेजली 2 ml ड्रग ही इसको इंसर्ट करनी है। बट ये जो ड्रग है इसके कुछ साइड इफेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा नोजिया वोमिटिंग कोज करती है, जिसके कारण से इसको बहुत ही स्लो देना होता है अपने को, ओके? और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 मिनट टू 2 आवर्स, यानी 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक के टाइम पीरियड के अंदर अपन इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बट 30 मिनट से कम टाइम पीरियड के अंदर इसको अपन नहीं दे सकते, ओके? फिर अपन इसके रूट की अपन बात करते हैं, तो इसको IM रूट से, यानी इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जा सकता है, इसको IV रूट से भी दिया जा सकता है, बट अपने को सिर्फ यहाँ IV रूट के बारे में पूछा गया है, और IV रूट के अंदर अपन इसको 30 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी 15 से 20 मिनट के लिए बोल रहा है ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी बोल रहा है 30 से 60 मिनट, ओके? 30 से 60 मिनट बोल रहा है, तो ये क्या होगा, अपना राइट आंसर रहेगा, ओके? इसके साथ ही साथ क्वेश्चन को कई बार दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने mg का इंजेक्शन आता है, कितने ml की वाइल आती है, ओके? और पर ml इसकी कितनी डोज होती है, ओके? क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ए क्लाइंट एडमिटेड टू साइकेट्रिक वार्ड, एक क्लाइंट है, पेशेंट है, वो कहां एडमिट है, साइकेट्रिक वार्ड के अंदर एडमिट है, मेंटल हेल्थ के जो वार्ड होते हैं उसमें एडमिट है, बिकॉज ऑफ एनोरेक्सिया, और क्यों है वहां पे एडमिट, वो एनोरेक्सिया है, उसको भूख नहीं लगती है, हो सकता है उसका कोज कोई फिजिकली हो सकता है उसका कोज कुछ मेंटली हो, ओके? बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसका वहां पे डायग्नोसिस क्या है, एनोरेक्सिया है, ओके? विच असेसमेंट पैरामीटर शुड द नर्स प्रायोरिटीज, इन सभी पैरामीटर्स में से कौन से पैरामीटर को वहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ऑप्शन ए बोल रहा है द नर्स क्लाइंट वेट एंड हाइट, क्लाइंट का वेट और हाइट को चेक करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, ऑप्शन बी द क्लाइंट इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑप्शन सी द कंसर्न ऑफ पेशेंट फैमिली, ऑप्शन डी द क्लाइंट मेडिकल हिस्ट्री। वैसे सभी के सभी जो चार के चार ऑप्शन है यहाँ पे, ये सभी के सभी इससे रिलेट है, और ये सभी के सभी एक्शन एक नर्सिंग ऑफिसर को वहां पे करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रायोरिटी आंसर पूछा गया है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके? तो आंसर करिए सभी लोग, सर जेंटामाइसिन पोस्ट लेबर में भी देते हैं, पोस्ट लेबर में जनरली नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको इन्फेक्शन के तौर पे कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है तो उसके लिए दिया जाता है, यानी पोस्टपार्टम जो इन्फेक्शन होते हैं फीमेल के अंदर, वो कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, और यदि वहां पे सुडोमोनास से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में वहां पे पोस्ट लेबर में दिया जा सकता है, बल्कि नॉर्मली देने का ऐसा कोई रीजन वहां पे नहीं होता है, ओके? हर्षा शर्मा, टाइम पीरियड हो गया ना, 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर उसको देंगे, इंट्रामस्कुलरली डायरेक्ट दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर के लिए के अंदर बिल्कुल टाइम पीरियड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब अपन IM रूट से देंगे तो उसको अब्जॉर्व होने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए वो वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ यदि उसको IV रूट से देंगे तो वो जो मेडिसिन की जो एक्शन होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, इसीलिए वहां पे 30 से 60 मिनट के अंदर या फिर 30 से 120 मिनट यानी 2 आवर्स तक लगाएंगे उसको देने में, और IM रूट से तुरंत दे देंगे, ओके? क्योंकि IM रूट से तो कोई देने का टाइमिंग होता ही नहीं है, IM रूट से तो सिरिंज में भरा और लगा दिया, ओके? क्लियर है? ओके, इसका आंसर करिए सभी लोग, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर अब अच्छे आ रहे हैं, निकिता चौधरी वेरी गुड, कृष्णा, हर्षा शर्मा, रावल प्रजापत, मधु, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक साइकेट्रिक वार्ड के अंदर पेशेंट एडमिट है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, यहाँ पे एनोरेक्सिया है उसको, तो प्रायोरिटी बेसिस वहां पे क्या असेस करेंगे, तो ये सभी के सभी ऑप्शंस अपने को असेस करना है, वेट उसका अपन असेस करेंगे, हो सकता है एनोरेक्सिया कारण से खाना नहीं खाया, उसका वेट बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, और कोई उसको प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि हाइट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ओके? इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी अपन वहां पे देखेंगे, और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी अपन वहां पे लेंगे, इसके साथ ही साथ मेडिकल हिस्ट्री भी अपन वहां पे लेंगे, बल्कि यहाँ पे प्रायोरिटी आंसर पूछा है तो वो क्या आएगा यहाँ पे, क्लाइंट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्यों आएगा, क्योंकि जब वो एनोरेक्सिया है, जब वो खाना पीना नहीं लेगा, तो इसके कारण से
वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इम्बेलेंस हो जाएंगे। और इम्बेलेंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? साइकोसिस होगा वहां पे। क्या होगा? साइकोसिस होगा, यानी जो मेंटल स्किल्स है वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी। और साइकोसिस होगा तो उसके कारण से ऑलरेडी वो साइकेट्रिक पेशेंट है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसके साइन सिम्टम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर तो ट्रीट ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। इसके साथ ही साथ एक रीजन तो ये हो जाता है, दूसरी चीजें इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करना ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, वेट हाइट, फैमिली की हिस्ट्री हो गई, मेडिकल हिस्ट्री हो गई, इन सभी चीजों को बाद में भी लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज एडमिटेड द हॉस्पिटल इन एक्यूट रीनल फेलियर। देखो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर। क्या है पेशेंट का डायग्नोसिस? एक्यूट रीनल फेलियर है। एक पेशेंट है जो एडमिट है। नोटिसेस ए यू वेव ऑन ईसीजी, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? उसकी ईसीजी के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट का डायग्नोसिस है और उसकी ईसीजी की, और ईसीजी में क्या दिखाई दिया वहां पे? वहां पे यू वेव दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है वहां पे? यू वेव दिखाई दे रही है, क्योंकि नॉर्मली यू वेव नॉर्मली नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ईसीजी का अपन जब भी पैटर्न देखते हैं इस तरीके से होती है, जो ईसीजी की वेव होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, और जो यू वेव होते हैं वो बहुत ही कम दिखाई देती है, यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई देती है, कुछ के अंदर दिखाई देती है और कुछ में नहीं दिखाई देती है, बल्कि मोस्ट ऑफ दी अपन पी क्यू आर एस टी इन्हीं को देखते हैं, यू वाली जो वेव है वो बहुत ही कम दिखाई देती है, बल्कि इस पेशेंट में यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, यानी कौन सी इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू को अपन असेस करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको असेस करने की अपने को जरूरत है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया हो सकता है उस पेशेंट को, उसको हाइपोकैलेमिया हो सकता है, उसको हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, उसको हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ओके, आंसर करिए सभी लोग। नीलू, कमला कुमारी, हर्षा शर्मा, निकिता चौधरी, दिलकुश वर्मा, अंकिता गुलेरिया, ओके वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अच्छे आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बी सभी के सभी लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपोकैलेमिया। जब भी हाइपोकैलेमिया होगा मीन्स पोटेशियम लेवल डिक्रीज होगा, पोटेशियम लेवल जब भी डिक्रीज होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा वहां पे? यू वेव वहां पे प्रोमिनेंट दिखाई देगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है दिखाई देगा वहां पे ज्यादातर। ओके, और इस तरह की कंडीशंस किस में होती है? हाइपोकैलेमिया के अंदर दिखाई देती है। ओके, और हाइपरकैलेमिया एक अलग कंडीशंस है, उसमें अलग तरह की कंडीशंस वहां पे दिखाई देगी। ओके, नॉर्मल कैलेमिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी यू वेव नहीं दिखाई देती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉइडिज्म। पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? हाइपोथायरॉइडिज्म है, और हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट की क्लाइंट की केयर कर रही है। नर्स अंडरस्टैंड दैट पेशेंट विथ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। ओके, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का डायग्नोसिस है उसका, और नर्स कैसे समझेगी कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर लो सीरम कैल्शियम लेवल होगा उसके अंदर? क्या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर लो कैल्शियम लेवल होगा? नर्स शुड बी अलर्ट द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्शियमिया एक्सेप्ट। जब भी उसको हाइपोकैल्शियमिया होगा तो इनमें से कौन कौन से साइन दिखाई देंगे, और एक्सेप्ट का मतलब कौन सा साइन नहीं दिखाई देगा। ओके, क्वेश्चन को फिर समझिएगा आप। पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, और नर्स को यह भी पता है कि जब जब भी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होगा तब तब क्या होगा? हाइपोकैल्शियमिया होगा, क्योंकि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है? पीटीएच सिक्रेट करती है, और जब पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा, ब्लड इन कैल्शियम डिक्रीज होगा, और बोन के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा, बोन के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होगा। इसके साथ ही साथ यदि अपन बात करें इसके अगेंस्ट वाले हार्मोन कैल्सिटोनिन की, कैल्सिटोनिन ये कहां से सिक्रेट होता है? ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और इसका काम क्या रहता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना,
ब्लड इन कैल्शियम इंक्रीज एंड बोन इन कैल्शियम डिक्रीज। फिर आप समझिएगा, दो हार्मोन होते हैं जो अल्टरनेटिवली कैल्शियम का बैलेंस करते हैं। एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एक थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पोस्टीरियर साइड में पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन सिक्रेट करती है। और जो पैराथायराइड ग्लैंड है जो पीछे वाली साइड में होती है, पोस्टीरियर साइड में होती है, वो पैराथॉर्मोन सिक्रेट करती है, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, पीटीएच बोलते हैं। और पीटीएच का काम क्या रहता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ओके, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना और बोन के अंदर कम करना। इसके साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में काम करता है कैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब भी हाइपोपैराथायरायडिज्म है इसको, तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा। बल्कि नर्स को समझना है कि कौन से साइन है जो हाइपोकैल्शियमिया को वहां पे इंडिकेट करते हैं, और एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी कौन सा साइन है वो यहां पे रिलेट नहीं है। ओके, आंसर करिए सभी लोग। ऑप्शन ए बोल रहा है कर्निंग साइन, ऑप्शन बी बोल रहा है ट्राउजी साइन, ऑप्शन सी बोल रहा है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी बोल रहा है चोबोस्टिक साइन। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे, आंसर करिए सभी लोग। सुभाष स्वामी, वेरी गुड आफ्टरनून। हर्षा शर्मा, निकिता चौधरी, रावल प्रजापत, दिलकुश वर्मा, कमला कुमारी, सुभाष स्वामी, मधु। ओके ओके, सभी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। आप सभी लोगों के आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कर्निंग साइन इसमें नहीं है। ओके, और कुछ स्टूडेंट ने तो कर्निंग साइन क्या है इसका वहां पे चैट के अंदर, जो कमेंट के अंदर बता भी दिया कि ये किसका साइन होता है, किसका साइन होता है, मेनिंजाइटिस का। किसका साइन होता है, मेनिंजाइटिस का साइन होता है। क्लियर है, मेनिंजाइटिस के अंदर क्या रहता है, कर्निंग साइन होता है। और कर्निंग साइन में क्या होता है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स कहां रहती है, लोअर लेग में होती है। तो हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, क्या हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल इन स्टिफनेस दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है वहां पे, स्टिफनेस दिखाई देती है। ओके, तो हैमस्ट्रिंग मसल में स्टिफनेस होने को अपन कर्निंग साइन बोलते हैं। और कहां दिखाई देता है, ये मेनिनजाइटिस के अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा ऑप्शन बी ट्राउजी साइन, ऑप्शन सी हाइपरएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी चोबोस्टिक साइन, ये तीनों की तीनों साइन हाइपोकैल्शियमिया में दिखाई देते हैं। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, द नर्स इन चार्ज ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, लेबर एंड डिलीवरी की इंचार्ज डिपार्टमेंट की मेकिंग द पेशेंट असाइनमेंट फॉर द डे। इंचार्ज का काम क्या रहता है, डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ पे, लेबर और डिलीवरी डिपार्टमेंट है। और इंचार्ज का काम क्या रहता है वहां पे, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो एनओज होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर रहते हैं, उनकी ड्यूटीज को असाइनमेंट करना कि आपको कौन सा पेशेंट देखना है, आपको कौन सा पेशेंट देखना है। सभी के ड्यूटीज का असाइनमेंट करना किसका काम होता है, नर्स इंचार्ज का काम होता है। ओके, डिपार्टमेंटल इंचार्ज का काम होता है। तो वो इंचार्ज यहाँ पे ड्यूटी असाइनमेंट कर रही है, उस कंडीशन में विच पेशेंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच पेशेंट शुड द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नर्स रिसीव। इनमें से ऐसा कौन सा पेशेंट होगा जिस पेशेंट को मोस्ट जो एक्सपीरियंस वाला स्टाफ होगा वहां पे, उसको ही उसको असाइन किया जाएगा। यानी ऐसा जो चार कंडीशंस यहाँ पे दी गई है और जो चार पेशेंट है, इनमें से कौन से पेशेंट को इस तरह की नर्स को दिया जाएगा जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऑप्शन ए बोल रहा है 40 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट अटैच्ड टू फीटल मॉनिटर हैविंग लेट डीएसिलेशन। ओके, कितनी प्रेगनेंसी है उसको, 40 वीक की। क्या समझते हैं 40 वीक से आप, कि अभी उसको डिलीवरी होने वाली है, और इसके साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन लेट डीएसिलेशन दिखाई दे रहा है, और लेट डीएसिलेशन एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती है बच्चे में। ऑप्शन बी बोल रहा है 39 वीक, मतलब अभी एक वीक और बचा हुआ है उसकी मेच्योरिटी में, और लेबर के साथ उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन 3 मिनट से दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 मिनट से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अभी टाइम लगेगा डिलीवरी के अंदर, और यदि डिलीवरी होगी भी तो वहां पे कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली है, क्योंकि इस तरह का कोई असेसरी कॉम्प्लिकेशंस वहां मेंशन नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है 33 वीक, अभी तो प्री मेच्योरिटी है उसकी,
33 वीक के प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ट्रिपलेट, तीन बच्चे है उसके, हु इज ऑन बेड रेस्ट, और वो बेड रेस्ट पे, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन डी, ए 26 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज हैविंग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ओके okay? यानी फोर्थ कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पे, फोर्थ कंडीशन क्या आ रही है, ऑप्शन डी 26 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट है और हैविंग नोजिया वोमिटिंग, ओके okay? यानी वहां पे नोजिया वोमिटिंग दिखाई दे रहा है ओनली, तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन है, ओके okay? तो किस तरह का पेशेंट होगा जिसको अपन मोस्ट एक्सपीरियंस वाले स्टाफ को वहां पे हैंड ओवर करेंगे या फिर असाइनमेंट उसको अपन देंगे, ओके okay? ओके सुनील भादोला, दिलकुश वर्मा, मधु, विवेक शर्मा, कमला कुमारी, हर्षा शर्मा, ओके मोस्ट ऑफ द लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो ऑप्शन ए आ रहा है, यानी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, लेट डीएसिलेशन दिखाई दे रहा है, और लेट डीएसिलेशन से क्या होगा वहां पे फीटस को, फीटस इन ओटू लेवल डिक्रीज होगा, ओटू लेवल डिक्रीज होगा, और ओटू लेवल डिक्रीज होगा तो वहां क्या हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, ओके okay? तो जो मोस्टली ऐसा एक्सपीरियंस स्टाफ होगा जो हर सिचुएशन को वहां पे हैंडल कर सके उसी को इसको असाइनमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर तीन कंडीशंस है इसमें कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ओके okay? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु विल अंडरगो ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द वेसल्स इन हार्ट, ओके एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है और उसको क्या करना है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के द्वारा, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के द्वारा हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनको इवाल्युएट करना है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम फॉर दिस प्रोसीजर, हार्ट की ब्लड वेसल्स को इवाल्युएट करने वाला ऐसा कौन सा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर का नाम क्या होगा। ऑप्शन ए, क्या उसको कार्डियक वेस्कुलर सेंटेसिस बोलेंगे, क्या उसको कार्डियक वेसोग्राम बोलेंगे, क्या उसको अपन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलेंगे, क्या उसको अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिए सभी लोग फटाफट, ओके आंसर करिए सभी लोग। हार्ट की ब्लड वेसल्स की यहां पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हार्ट की ब्लड वेसल्स, और हार्ट की ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, तो अपन किसकी बात करने वाले हैं यहां पे, कोरोनरी आर्टरी की बात करने वाले, बल्कि उसके इवाल्युएशन के प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे उसका आंसर आप लोगों को करना है, आंसर करिए सभी लोग, ओके मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर डी आ रहे हैं, कुछ लोगों के ए आ रहे हैं, सुभाष स्वामी, कमला कुमारी, अंकिता गुलेरिया, विवेक शर्मा, हर्षा शर्मा, रावल प्रजापत, ओके वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, ऑप्शन डी आ रहे हैं, ओके तो अपन डी को डिस्कस करते हैं, ओके ये क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। देखो कोरोनरी क्यों बोला गया है, क्यों कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या बोलेंगे, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो, बल्कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है, और जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो आर्टरी से ज्यादा होती है ना कि वेन से ज्यादा होती है, यानी वेन से कम होती है और आर्टरी से ज्यादा होती है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, क्या होता है, ब्लड वेसल्स, क्लियर है, ब्लड वेसल्स, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन पेपर, रिकॉर्डिंग ऑन पेपर, एक पेपर के ऊपर रिकॉर्डिंग करना या फिर ग्राफिक करना, किसकी ग्राफिक कर रहे हैं, कोरोनरी की, कोरोनरी ब्लड वेसल्स की रिकॉर्डिंग करना पेपर के ऊपर क्या कहलाता है, एंजियोग्राफी कहलाता है, और एक तरह से इन्वेसिव प्रोसीजर है। यह तो इसका अपना आंसर हो गया। इसके साथ ही साथ ऑप्शन सी को अपन यहां पे समझेंगे, सी है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखो कोरोनरी यानी कोरोनरी है, एंजियो यानी ब्लड वेसल्स है, और प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयरिंग करना, क्या होता है, रिपेयर करना, यानी कोरोनरी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करेंगे तो इस तरह के प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलेंगे। इसके अलावा कार्डियक वेसोग्राम, कार्डियक वेसोग्राम,
कार्डियक यानी हार्ट की अपन बात कर रहे हैं, वेसो यानी वेसल्स की बात कर रहे हैं, वो आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है, और ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर को मेजर करना। बल्कि ये मोस्ट ऑफ द किसके लिए किया जाता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स के आउटर साइड के अंदर जो आउटर लाइनिंग होती है, जो इसकी वाल होती है, इस वाल की थिकनेस को मेजर किया जाता है। और इस वाल की थिकनेस को मेजर करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक वेसोग्राम बोलेंगे। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शन ए बोल रहा है कार्डियक वेस्कुलरोसेंटेसिस। वेस्कुलर, वेस्कुलर की अपन बात करें तो क्या बात कर रहे हैं यहां पे, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। और सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर निकालना, किससे बाहर निकाल रहे, वेस्कुलर से यानी ब्लड वेसल से। जैसे कार्डियोसेंटेसिस, कार्डियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, कार्डियक फ्लूड को बाहर निकालते। थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं, थोरेसिक का जो फ्लूड होता है उसको बाहर निकालते। उसी तरीके से वेस्कुलर सेंटेसिस में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स का जो फ्लूड होगा उसको बाहर निकालेंगे। और फ्लूड की जरूरी नहीं है वहां पे, हो सकता है वहां पे कोई क्लोट हो। ऐसा कब किया जाता है, जैसे ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स में कहीं पे क्लोट है जो इसको ऑब्स्ट्रेक्ट कर रहा है यहां से, तो इस कार्डियोसेंटेसिस के प्रोसीजर के थ्रू यहां से क्या किया जाता है, इस क्लोट्स को रिमूव किया जा सकता है। ओके, इसको अपन कार्डियो, इसके कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में भी कर सकते हैं और कार्डियो वेस्कुलरोसेंटेसिस के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई ब्लड वेसल्स है जहां दोनों साइड में ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद यदि कोई बहुत ज्यादा डायलेट हो गई है और उसके अंदर ब्लड है वो बहुत ज्यादा फिलिंग हुआ हुआ है, तो उस कंडीशन में उस ब्लड को भी कई बार खाली करना पड़ता है वहां से, तो उस तरह के प्रोसीजर को भी वहां पे यूज करते हैं वेस्कुलर सेंटेसिस को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या कॉम्प्लिकेशन है वहां पे, क्या डायग्नोसिस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसको, हाई रिस्क ऑफ लॉसिंग द एयरवे, एयरवे बहुत ही ज्यादा उसका लॉस हो रहा है। ओके, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है उसको। डॉक्टर डिसाइड करता है उसको इंट्यूबेट करने के लिए, क्या करेगा, क्या बोलेगा वहां पे, पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। इंट्यूबेट से आप क्या समझते हैं, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा वहां पे एयरवे मेंटेन करना है। क्लियर है, क्या करना है वहां पे, ट्रेकिया के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करना है और उस प्रोसेस को अपने इंट्यूबेट करना बोलते हैं। द पेशेंट क्लाइंट द नर्स नाउ दैट विच मेडिकेशन विल बी गिवन फर्स्ट, और इंट्यूबेट करने के दौरान सबसे पहले नर्स कौन सी मेडिसिन उसको इंसर्ट करेगी, कौन सी मेडिसिन उसको देगी। ऑप्शन ए वेक्यूरोनियम देंगे, ऑप्शन बी रेक्यूरोनियम देंगे, ऑप्शन सी सक्सेनाइल कोलिन देंगे, ऑप्शन डी प्रोपोफोल देंगे। आंसर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है सेम एडजिटिव क्वेश्चन, ऋषिकेश एम्स ने भी काफी बार पूछा गया है, दिल्ली एम्स ने भी काफी बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो सभी लोग आंसर करिए। ओके, आंसर करिए सभी के सभी लोग। सुभाष स्वामी, अखिलेश, मेकल सैनी, मधु, रावल प्रजापत, हर्षा शर्मा, अखिलेश, नीलू, कल्पना सोलंकी, विवेक शर्मा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, सभी लोग एक दूसरे को देख देख के आंसर कर रहे हो पता नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों के अच्छे आंसर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो आंसर किया है वो क्या किया है, सक्सेनाइल कोलिन किया है। ओके, और ऐसा आंसर आपको कब करना है, जब ईसीटी दे रहे हो अपन किसी पेशेंट को, ईसीटी दे रहे हो। ओके, जब ईसीटी देते हैं एक साइकेट्रिक पेशेंट को, उस दौरान वहां सक्सेनाइल कोलिन दिया जाता है, क्योंकि सक्सेनाइल कोलिन क्या है, ये मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेशन का काम करता है। क्या करता है, मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेशन का काम करता है, मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेंट है। क्लियर है? तो आपका जो आंसर आप लोग जो बता रहे हैं मैक्सिमम, उस आंसर को तो अपन ने गलत कर दिया। ओके, अब और आंसर करिए सभी लोग, इसके अलावा और आंसर करिए। मधु, वेरी गुड। नीलू भी बोल रहे नहीं सर, क्या नहीं, क्या नहीं बेटा, समझा नहीं हूं मैं। ओके, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों के जो आंसर आए थे वो सी आए थे, कुछ लोगों के आंसर डी आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं। ओके, बल्कि कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। रावल प्रजापत, कल्पना सोलंकी, मधु, ओके, अब सभी लोगों के आंसर क्या आ रहे, डी आ रहे हैं, यानी आप सभी लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपोफोल बोल रहे हैं, प्रोपोफोल।
देखो प्रोपोफोल है, ये सभी के सभी जो मेडिकेशन है ये जनरल एनेस्थीसिया में भी दी जाती है, और कुछ मेडिकेशन है वो रीजनल एनेस्थीसिया में भी दी जाती है। अब आप जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया तो आप समझते ही होंगे, बल्कि इंटुबेट अपन पेशेंट को करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपन इस तरह की मेडिसिन उसको देंगे जिससे मिनिमम कॉम्प्लिकेशन हो और उसको रिलैक्सेंट भी मिल जाए। और वहां पे जो प्राइमरी मेडिकेशन यूज की जाती है वो वहां पे प्रोपोफोल यूज की जाती है। क्या किया जाता है वहां पे? प्रोपोफोल वहां पे यूज किया जाता है। ये भी वैसे मसल रिलैक्सेंट ही है, ये भी क्या है? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ये भी मसल रिलैक्सेंट है। और रेक्रूनियम और वेक्रूनियम ये दोनों के दोनों मेडिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रोंग मसल रिलैक्सेंट होती है। कैसी होती है ये? स्ट्रोंग होती है और मोस्ट ऑफ दी जनरल एनेस्थीसिया में यूज की जाती है। एक तरह से प्रोलॉन्ग इफेक्ट पैदा करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो सेकेंडरी प्रायोरिटी इनको दी जाती है। यदि प्रोपोफोल कहीं पे भी ऑप्शन में दिया हुआ हो तो जनरली इसी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलिए अपन। नीलूबी, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग कोशिश करिए, गलती कर करके ही सीखते हैं, क्योंकि गलती एक ऐसी चीज होती है जो आपको सिखा सकती है। और गलतियां भी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है गलतियां? गलतियां दो तरह की होती है, कुछ गलतियां अच्छी होती है और कुछ गलतियां बुरी होती है। अब आप बोलेंगे गलती तो गलती होती है, बुरी कैसे हो सकती है, अच्छी कैसे हो सकती है? सारी गलतियां बुरी होती है, अच्छी गलतियां कैसे होती है? बल्कि कुछ गलतियां बहुत अच्छी होती है। और अच्छी गलतियां कौन सी होती है? वो सभी गलतियां जो आपको कुछ सिखा दे, वो गलतियां आपके लाइफ में बहुत अच्छी गलतियां होती है। और वो गलतियां जिनसे आप कुछ सीख नहीं पाए हैं तो वो आपकी लाइफ की बहुत ही बुरी गलतियां होती है। तो ऐसी गलतियां जो लाइफ में आपको कुछ सिखाती है वो कभी गलतियों में काउंट नहीं होती है, वो अच्छी गलतियों में काउंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टूडेंट नर्स इज अप्लाइंग ए कंडोम कैथेटर। एक स्टूडेंट नर्स है और एक एम्बुलेटरी क्लाइंट है जिसको क्या कर रहे हैं वहां पे? कंडोम कैथेटर लगा रहे हैं। कंडोम कैथेटर लगाना कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता है। एक तरीके से जो उसका ग्लांस पेनिस होता है उसके ऊपर कवरिंग टाइप के अंदर एक कंडोम टाइप का कैथेटर होता है जो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। और क्लाइंट के साथ कंडीशंस क्या है? वो अनसर्क्यूमसाइज्ड है और इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन है। इनकॉन्टिनेंस यानी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि उसका जो यूरिन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका यूरिन का कंट्रोल नहीं है। इनकॉन्टिनेंट का मतलब होता है यूरिन का कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल यूरिन, अनकंट्रोलेड यूरिन है। और अनसर्क्यूमसाइज्ड का मतलब क्या होता है? पेनिस के ऊपर फोर स्किन होती है, पेनिस ऑन फोर स्किन कवर ग्लांस पेनिस। जो फोर स्किन के ऊपर फोर स्किन होती है पेनिस के ऊपर, वो ग्लास पेनिस जो उसकी टिप होती है पेनिस की उसको कवर कर रखा है। उसको अपन क्या बोलते हैं? अनसर्क्यूमसाइज्ड बोलते हैं। और सर्क्यूमसाइज्ड क्या होता है? जब ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है फोर स्किन वो वहां से मूवेबल होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्क्यूमसाइज्ड बोलते हैं। बल्कि यहाँ पे कंडीशंस क्या है? पेशेंट एम्बुलेटरी है यानी चल फिर सकता है, पहली कंडीशंस तो ये हो गई। दूसरी कंडीशंस क्या है? इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, उसका यूरिन का कंट्रोल नहीं है। थर्ड कंडीशंस क्या है? अनसर्क्यूमसाइज्ड है, उसकी जो स्किन है वो क्या है? अनसर्क्यूमसाइज्ड है यानी वहां से मूव नहीं हो रही है बैक साइड के अंदर। तो इस तरह के क्लाइंट को स्टूडेंट नर्स है वो वहां पे कंडोम कैथेटर अप्लाई कर रही है। अब वहां पे सुपरविजन के लिए वहां पे सीनियर नर्स आ गई है। क्या आ गई है? स्टूडेंट नर्स के सामने सीनियर नर्स आ रही है और वो सभी प्रोसीजर उसको करते हुए देख रही है। इनमें से चार कंडीशंस है जिसको वो स्टूडेंट नर्स है वो कर रही है, बल्कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको वो रोकने की कोशिश करेगी कि ये आपको नहीं करना है, यानी गलत कौन सा है इनमें से, उसको अपन यहां पे देखेंगे। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूं जहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहां से आप समझिए। ऑप्शन ए बोल रहा है अटैच द ड्रेनेज ट्यूबिंग ए लोअर लेग कलेक्शन बैग। उसका जो ड्रेनेज ट्यूब है वो लोअर लेग यानी लेग से नीचे कलेक्शन बैग को उसके एडजस्ट कर देंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है लीव्स 1 से 2 इंच या फिर 2.5 से 5 सेंटीमीटर स्पेस टिप ऑफ कंडोम। टिप ऑफ कंडोम का मतलब क्या होता है? जैसे ये पेनिस है, और ये क्या है? पेनिस की टिप है। और जब कंडोम यहां पे अप्लाई किया है तो टिप ऑफ पेनिस से लेके यहां तक कंडोम तक यहां तक का जो स्पेस है यहां पे 2 इंच का स्पेस छोड़ना चाहिए। ये ऐसा बोल रहा है, क्या 2 इंच का स्पेस छोड़ देना चाहिए?
ऑप्शन सी बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट द फोर स्किन बिफोर अप्लाइंग द कंडोम सीट। जब भी कंडोम सीट इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो इसकी जो फोर स्किन है इसको एक्सट्रैक्ट करेगा वहां पे। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, यूजेज इलास्टिक एडेजिव इन स्पाइरल फैशन। ओके, यानी एक तरीके से बोल रहा है कि जो ये ग्लास पेनिस है और इस पेनिस के ऊपर जो कंडोम अप्लाई करेगा इस तरीके से, कंडोम कैथेटर, इसके ऊपर जो बैंडेज अप्लाई करेंगे उसको स्पाइरल टाइप के अंदर, यानी स्पाइरल फैशन के अंदर उसको अप्लाई करेंगे वहां पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? एक तरीके से पूछा गया है कि एक्सेप्ट है। ओके, यानी इंटरवेन्यू, क्या पूछा गया यहाँ पे? इंटरवेन्यू। इंटरवेन्यू का मतलब होता है हस्तक्षेप पैदा करना, यानी रुकावट पैदा करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके बीच जो सीनियर नर्स है वहां पे रुकावट पैदा करेगी कि बेटा आपको ये नहीं करना है, स्टूडेंट नर्स को उसके बारे में समझाया जाएगा? ओके, आंसर करिए। ज्यादा उलझने वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहां से हर ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनता है, यानी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसीलिए सभी ऑप्शन को अपने माइंड के अंदर याद जरूर रखना आप लोग, है ना? ओके, आंसर करिए सभी लोग। ओके, कुछ लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं। ओके, सालू शर्मा, कल्पना सोलंकी, विवेक शर्मा, अखिलेश, नीलू भी, कमला कुमारी, सदाम खान, राजेंद्र जाट। ओके, वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है उसकी जो ड्रेनेज ट्यूबिंग है उसको लोअर रखेंगे अपन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, इसको अपन गलत नहीं ठहरा सकते। ऑप्शन बी बोल रहा है लीव्स 1 से 2 इंच स्पेस एट द टिप ऑफ कंडोम। देखो, यहाँ पे मैंने आपका बताया था कि जो टिप ऑफ पेनिस से लेके टिप ऑफ कंडोम है इसके बिटवीन 2 इंच का स्पेस अपन प्रोवाइड करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से यूरिन का फ्लो जब भी आएगा तो यहाँ पे ये फ्लो हो जाएगा, उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट भरेगा उसके बाद आगे निकल जाएगा। हो सकता है इस कंडोम को यहाँ पे अपन चिपका देंगे तो इसका जो वाल है और जो पेनिस का वाल है वो दोनों एक सीध में नहीं आएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसीलिए 2 इंच का स्पेस, या फिर बोल सकते हैं 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर का स्पेस वहां पे प्रोवाइड करना है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सट्रैक्ट द फोर स्किन बिफोर अप्लाइंग द कंडोम सीट। बहुत ही अच्छी समझने वाली लाइन है, एक्सट्रैक्ट करना यानी फोर स्किन को पीछे करेंगे, पर फोर स्किन को पीछे करेंगे कहां से भाई? वो तो क्या है, अनसर्कमसाइज्ड है, अनसर्कमसाइज्ड है, तो अनसर्कमसाइज्ड स्किन है वो पीछे आएगी क्या? आएगी नहीं। उसको जबरदस्ती पुलिंग करेंगे तो क्या होगा वहां पे? इंजरी कोज हो जाएगी। क्या हो जाएगा वहां पे? इंजरी कोज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन वहां पे नहीं किया जाएगा। यदि किसी की सर्कमसाइज्ड स्किन होगी, वहां पे फोर स्किन होगी, तो वहां पे इस ऑप्शन सी वाली लाइन को किया जाएगा। बल्कि क्वेश्चन में यदि मेंशन है कि अनसर्कमसाइज्ड फोर स्किन है वहां पे, तो ऑप्शन सी वाला वहां पे नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पाइरल बैंडेज होती है, सॉरी वहां पे इलास्टिक बैंडेज होती है, उसको स्पाइरल फैशन के अंदर उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल राइट है, बल्कि ऑप्शन सी नहीं करना है वहां पे। क्लियर है? हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है और किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आपसे वहां पे पूछ लिया जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ए 28 वीक क्लाइंट, 28 वीक का क्लाइंट है, एडमिटेड टू गायनेकोलॉजी बोर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर ड्यू टू फिटल डेमाइस, डज द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच सब्सटेंस विल बी यूज्ड फॉर इफेसमेंट ऑफ क्लाइंट सर्विक्स। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, क्लाइंट किस तरह का है? प्रेगनेंसी वाला क्लाइंट है, लेबर वाला क्लाइंट है, और उसको 28 वीक का क्लाइंट है। कैसा है? 28 वीक का क्लाइंट है, और उसका जो फीटस है वो कैसा हो गया? डेमाइस हो गया, यानी उसकी फीटल डेथ हो चुकी है। 28 वीक का क्लाइंट है, 28 वीक की प्रेग्नेंट लेडी है, और उसकी फीटल डेथ हो चुकी है, तो क्या करवाना पड़ेगा? इंड्यूस लेबर करवाना पड़ेगा, यानी नॉर्मल लेबर तो तब होगी ना जब 40 वीक का हो जाएगा, बल्कि 28 वीक का है तो अपने को इंडेक्शन करवाना पड़ेगा लेबर का। और लेबर का इंडेक्शन करवाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? इंडेक्शन करवाने के लिए अपने को सबसे पहले तो सर्विक्स का इफेसमेंट करवाना पड़ेगा। इफेसमेंट का मतलब होता है डायलेशन, एक तरीके से डायलेशन करवाना पड़ेगा। जब सर्विक्स का डायलेशन होगा तभी तो फीटस बाहर आएगा, और फीटस को बाहर निकालने के लिए अपन वहां पे ज्यादातर क्या यूज करेंगे? क्या ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन यूज करेंगे तो क्या वहां पे सर्विक्स डायलेट हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या वहां पे ऑक्सीटोसिन आईवी देंगे वहां पे? ओके, ऑप्शन सी क्या वहां पे एमनियोटोमी करेंगे?
ऑप्शन डी, क्या वहां पे लेमिनेरिया उसको देंगे अपन? ओके, लेमिनेरिया से आप क्या समझते हैं? एक स्टिक जेली होती है, क्या होती है? एक स्टिक जेली होती है, एक स्टिक जेली लाइक फ्लूड होता है। ओके, क्या होता है? एक स्टिक जेली लाइक फ्लूड होता है, तो क्या वो प्रोवाइड करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। मधु, विवेक शर्मा, रावल प्रजापत, सदाम खान, अखिलेश, अंकिता गुलेरिया, राजेंद्र जाट, हर्षा शर्मा, सालू शर्मा। ओके बेटा, बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने जो आंसर किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कल्पना, सालू, ओके, उनका सभी का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी, सभी के सभी लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीटोसिन। ओके, बल्कि यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आता है? राइट आंसर निकल के आता है लेमिनेरिया। ओके, हर्षा शर्मा का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? लेमिनेरिया। ओके ओके, आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ऑक्सीटोसिन, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? इफेसमेंट, इफेसमेंट करवाना है वहां पे, यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन नहीं करवाना है। यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए वहां पे क्या यूज करेंगे? ऑक्सीटोसिन यूज करेंगे। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और उससे क्या होगा? फीटस एक्सपेल हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी क्या रख दी गई है वहां पे, कि सर्विक्स का इफेसमेंट करवाना है अपने को। तो क्या सर्विक्स का इफेसमेंट ऑक्सीटोसिन से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो कंडीशंस दी हुई नहीं है बेटा, इसको अपन राइट कैसे मान सकते? इससे आगे बढ़िए आप, ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन है, तो नॉर्मल सलाइन से कभी सर्विक्स का इफेसमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बोल रहा है एमनियोटोमी, तो एमनियोटोमी एक अलग प्रोसीजर है। जब सर्विक्स का डायलेशन हो जाएगा, जब इफेसमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद अपन एमनियोटोमी करेंगे। और एमनियोटोमी में क्या होता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन को वहां पर रेप्चर करना, उसको अपन एमनियोटोमी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन डी क्या है? लेमिनेरिया, जिसको मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है, स्टिक जेली लाइक एक फ्लूड होता है। स्टिक जेली लाइक फ्लूड होता है जो जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, किसके कॉन्टेक्ट में आता है? वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाता है वहां पे? लेक्जेटिव फ्लूड कोज करता है। क्या बनाता है वहां पे? लेक्जेटिव। लेक्जेटिव का आप क्या समझते हो? लेक्जेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चिपचिपा टाइप का। लेक्जेटिव फ्लूड, लेक्जेटिव फ्लूड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक तरीके से लेमिनेरिया एक स्टिक जेली लाइक फ्लूड आता है, जो जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा, और वाटर कहां से आएगा? सर्विक्स में थोड़ा बहुत वाटर रहता है, थोड़ा बहुत वहां पे सर्वाइकल फ्लूड रहता है, उसके जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा वहां पे? लेक्जेटिव फ्लूड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे थोड़ा चिपचिपा हो जाने के कारण से अपन बाद में एमनियोटोमी करेंगे और वहां से फीटस को बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही इंसान महान होता है। ओके, बल्कि सबसे अच्छी गलतियां वो होती है जिनसे अपन कुछ सीख जाते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, राजकुमार सैनी, सदाम खान, नीलू, दात्री समल, कमला कुमारी। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अच्छे आंसर आ रहे हैं। पहले हर्षा शर्मा का आंसर बहुत ही अच्छा था। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए क्लाइंट हु इज नेटिव ऑफ मिडल ईस्ट इज नाउ ऑन हर 24th वीक गेस्टेशन। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दी गई है। नेटिव ऑफ द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो मिडल ईस्ट यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि आपके माइंड में जस्ट मिडल ईस्ट के लोगों का कल्चर माइंड में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिडल ईस्ट के लोगों का कल्चर माइंड में आना चाहिए। और नाउ ऑन हर 24 वीक गेस्टेशन है, 24 वीक की उनको प्रेगनेंसी है, एज पार्ट ऑफ कल्चर, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग सी यूजुअली वियर ए लॉन्ग रोब दैट कवर्स आर्म एंड बॉडी। क्या कवर किया गया है? कंप्लीट उसकी आर्म कवर है और बॉडी कवर है। ओके, क्योंकि मिडल ईस्ट के जो लोग होते हैं वो कंप्लीट बॉडी को कवर करके रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे मिडल ईस्ट दिया गया है। ओके, तो वो उसने क्या किया गया है, 24 वीक की गेस्टेशन है उसका, और उसने कंप्लीट अपने हाथों को और अपनी बॉडी को, आर्म को कंप्लीटली कवर करके रखते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, विथ ए सावल दैट कवर्स हर हेड एंड नेक। उसके साथ ही साथ कंप्लीट हेड भी कवर है, कंप्लीट नेक भी कवर है। कौन सा सप्लीमेंट उसको देंगे, यानी किस सप्लीमेंट की उसको जरूरत है? अब आप सोचेंगे कपड़े पहन से भी कौन सा सप्लीमेंट वहां पे कम ज्यादा हो जाता है, तो आपको सोचने वाली बात है। ऑप्शन ए विटामिन डी देंगे, ऑप्शन बी
विटामिन सी देंगे, ऑप्शन डी, क्या कैल्शियम देंगे, ऑप्शन डी, क्या उसको जिंक देंगे। आंसर के लिए बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके आंसर करिए बेटा, नीलू भी बोल रहे हैं उसके पास प्रीमी जेल इंजेक्ट करवाएंगे। बेटा वो सभी कंडीशंस बाद की होती है। ओके प्राइमरी कंडीशन जब आप यूट्रस के पास बेटा बाद में पूछोगे, पहले जब सर्विक्स होगा वो रास्ता देगा। ओके आपके घर के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी है। ओके बल्कि घर में आप जब पूछोगे तब जब आपका घर का दरवाजा खुलेगा, समझ रहे हैं ना आप इस चीज से। ओके ना, यूट्रस के पास तब पूछेंगे जब आपका सर्विक्स का मुंह ओपन होगा। ओके ठीक है, वहां पे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन होते हैं, आपको वहां जाना है जो आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आता है। ओके चलो इस क्वेश्चन के आंसर पे आइए सभी लोग। ओके हर्षा शर्मा, रावल प्रजापत, कमला कुमारी, राजेंद्र जाट, दात्री समल, राजकुमार सैनी, अखिलेश, हर्षा शर्मा, सालू शर्मा। ओके वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनके आंसर ए आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी आ रहे हैं, कुछ लोगों के सी आ रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर विटामिन डी आ रहे हैं। क्वेश्चन को आप समझ के होंगे, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के लोग होते हैं वो कंप्लीट बॉडी को कवर करके रखते हैं। ओके क्योंकि वहां का कल्चर होता है और उस कारण से अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी कहां से मिलता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण से अपनी स्किन से क्या होगा, अब्जर्व होगा, वहां पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। बल्कि वहां पे विटामिन डी नहीं बन पाएगा, कैल्शियम तो वहां से डाइट से ले सकती है वो। ओके बल्कि विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा, इसीलिए इस तरह के क्लाइंट को अपन क्या देंगे, वहां पे विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे। ओके कैसे देंगे, वीकली विटामिन डी का वीकली सप्लीमेंट देंगे अपन वहां पे। क्लियर है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बल्कि उनकी जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को अपने को समझना होता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। द पेशेंट दैट हैज जस्ट अंडरगोन कार्डियक सर्जरी इज रिकवरिंग इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। क्वेश्चन को समझिएगा कि कार्डियक सर्जरी हो रही है पेशेंट की, कार्डियक सर्जरी हो चुकी है और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर वो आ गया है। नर्स नोटिसेज दैट द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 88/52 mmHg। क्या है उसका ब्लड प्रेशर, 88/52 mmHg है, एंड दैट हिज जुगलर वेन आर वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है उभरी हुई, जो जुगलर वेन है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, उभरी हुई अपने को दिखाई दे रही है। नर्स अस्कल्टेट्स यानी वहां पे सुनेगी हिज कार्डियक रेट, उसके कार्डियक रेट को सुन रही है, कैन नॉट हियर कार्डियक साउंड, वहां पे हार्ट रेट उसको नहीं सुनाई दे रही है। नर्स इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म किया गया जिसको, जिसने सर्जरी की है, ऑन ड्यूटी एंड प्रिपेयर फॉर विच प्रोसीजर, और तुरंत कौन सा प्रोसीजर करने की जरूरत है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बल्कि बहुत सिंपल है। ओके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बल्कि बहुत ही सिंपल है। ओके 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 ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि पेशेंट का क्या हुआ है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से बाहर आया है, और एनेस्थीसिया क्यों दिया गया था, क्योंकि कार्डियक सर्जरी हुई है, यानी कार्डियक सर्जरी के बाद पेशेंट एक तरीके से आईसीयू में आ गया है या वार्ड में आ गया है, और आने के बाद नर्स ने उसके वाइटल साइन लिए, और वाइटल साइन के दौरान उसने देखने को क्या मिला कि उसको हाइपोटेंशन है, यानी उसका जो बीपी है वो सिस्टोलिक तो 88 है और डायस्टोलिक उसका 52 है, यानी उसका बीपी कम है, और इसके साथ ही साथ दूसरी कंडीशंस क्या है, उसकी जुगलर वेन है वो प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ओके यानी उभरी हुई वहां पे दिखाई दे रही है। नंबर थर्ड कंडीशन क्या है, जब वो हार्ट साउंड उसने सुनने की कोशिश की तो हार्ट साउंड वहां पे सुनाई नहीं दे रहा है। ये तीन कंडीशंस इसमें दिखाई दी तो उसने देखा कि बहुत अबनॉर्मल कंडीशंस है, तुरंत के तुरंत उसने क्या किया, फिजिशियन को इन्फॉर्म किया, और फिजिशियन वहां तुरंत क्या एक्शन करने के लिए बोलेगा, क्या प्रोसीजर करने की जरूरत है। ऑप्शन ए, तुरंत के तुरंत थोरासेंटेसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, क्या पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, क्या वहां पे आर्थ्रोसेंटेसिस करना पड़ेगा, क्या वहां पे पेरासेंटेसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन डी आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप इस कंडीशंस को समझ गए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ओके okay. आंसर करिए सभी लोग। ओप नहीं है बेटा, नाइट ड्यूटी आज। ओके। रामलाल गुणपाल, कल्पना सोलंकी, राजेंद्र जाट, विवेक शर्मा, अखिलेश, हर्षा शर्मा। वेरी गुड, सभी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। अखिलेश बोल रहे कार्डियक रिटर्न ब्लॉक हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। सालू शर्मा। ओके ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर क्या आ रहा है? पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। अब पेरिकार्डियोसेंटेसिस से देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, जब उसका कार्डियक प्रोसीजर हो गया है तो उसके बाद इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्यों आई? देखो जब हार्ट है, ये अपना हार्ट है, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी यदि होती है तो इसके बाहर की तरफ जो हार्ट की जो लेयर होती है, जो कार्डियक लेयर होती है, यहाँ पे दो कार्डियक लेयर के बीच में यहाँ पे कुछ फ्लूड भरा रहता है। ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक फ्लूड बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कार्डियक फ्लूड बोलते हैं। और जब इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो उस दौरान कुछ वेस्ट ब्लड होगा या फिर कुछ अदर मटेरियल होगा जो इस फ्लूड के बिटवीन चला जाएगा, और इस फ्लूड की जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो सिर्फ 35 ml होती है, और ये वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। और जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? हार्ट कंप्रेस होगा। जब बाहर का जो फ्लूड है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट कंप्रेस होगा, हार्ट कंप्रेस होगा। और जब हार्ट कंप्रेस हो जाएगा तो जितनी वॉल्यूम उसको पंप करनी चाहिए उतनी वॉल्यूम पंप नहीं कर पाएगा। कैन नॉट पंप, कैन नॉट पंप ब्लड इनटू आर्टरी, आर्टरी के अंदर ब्लड है वो पंप नहीं कर पाएगा। और जब पंप नहीं कर पाएगा तो क्या बीपी उस पेशेंट का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बल्कि हार्ट जब कंप्रेस होगा और इस तरह की जो कंडीशंस डेवलप होगी उस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। ऐसा भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है। क्लियर है? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशंस हो गई, इस कंडीशंस में अपने को करना क्या है? तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? पेरिकार्डियम लेयर से सेंटेसिस का मतलब क्या होता है? किसी फ्लूड को बाहर निकालना, सेंटेसिस करना। तो पेरिकार्डियम से फ्लूड निकालेंगे क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा फ्लूड हो गया है जिससे हार्ट कंप्रेस हो रहा है। तो ये तो अपना राइट आंसर हो गया। बल्कि ऑप्शन ए में पूछा गया है थोरासेंटेसिस, तो ये थोरैसिक कैविटी से फ्लूड को रिमूव करना होता है, तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है अर्थ्रोसेंटेसिस, तो जो जॉइंट फ्लूड होता है, जो साइनोवियल फ्लूड होता है, जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूड होता है उसको एस्पिरेट करना, एस्पिरेशन करना यानी बाहर निकालना, एस्पिरेशन करना क्या कहलाता है? वो अर्थ्रोसेंटेसिस कहलाता है। इसके अलावा पेरासेंटेसिस क्या होता है? पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है या फिर पेरिटोनियल जो फ्लूड होता है उसको एस्पिरेट करना क्या बोला जाता है? उसको पेरासेंटेसिस बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। इसके अलावा ए सी और डी क्या होते हैं वो आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया क्वेश्चन नंबर 23 में भी, यहाँ पे मिस हो गया है। अपन क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। ओके, ये टाइप नहीं हो पाया है 23। ओके ना, थोड़ा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुआ है। ओके, 24 को डिस्कस करते हैं अपन। ए क्लाइंट इज रश्ड टू द इमरजेंसी फॉलोइंग ए नियर ड्रॉविंग एपिसोड। देखो उसको ड्रॉविंग एपिसोड का मतलब क्या हो रहा है? बार बार गिर जाना। ओके, लोकल बीच। डज द नर्स एंटिसिपेट विच कंडीशन टू बी प्रेजेंट इन द पेशेंट। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है और बार बार क्या हो रहा है? वो ड्राउनिंग एपिसोड उसको आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर, उस पेशेंट के अंदर किस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेगी? यदि इस तरह का पेशेंट है तो उसके अपन सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो किस तरह के होंगे? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया होगा उसको, हाइपर कार्बिया होगा, हाइपर कार्बिया। ओके, हाइपर कार्बिया का मतलब होता है CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाना। CO2 इंक्रीज होना को क्या बोलते हैं अपन? हाइपर कार्बिया बोलते हैं। क्या उसको एसिडोसिस भी हो सकता है? ये कंडीशंस वहां हो सकती है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कोमा, हाइपरथर्मिया और एल्कालोसिस वहां दिखाई देगा। ऑप्शन सी बोल रहा है हाइपोथर्मिया, हाइपोकेपनिया और एल्कालोसिस वहां दिखाई देगा। ऑप्शन डी बोल रहा है हाइपरथर्मिया, हाइपर
हाइप्रोक्सिया और एसिडोसिस वहां पे दिखाई देगा। तो आंसर करिए कि जो ड्राउनिंग एपिसोड का कोई पेशेंट होगा तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस अपने को असेसमेंट के दौरान वहां देखने को मिलेगी। आंसर करिए सभी लोग। सालू शर्मा, सिलेक्शन का कोई सीक्रेट? बेटा सिलेक्शन का सीक्रेट होता है अपने आप को इसके लिए न्योछावर कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को इसके अंदर डुबो देना। जब आप किसी चीज के अंदर डूब जाते हैं ना तो वो चीज आपको मिलती मिलती है, उस चीज को आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने आप को जिस दिन इसको कंप्लीटली समर्पित कर देंगे ना उस दिन आपको सिलेक्शन 100% मिल जाएगा, और इससे बड़ा सीक्रेट इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। ओके, मे बी सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। ओके, दूसरी चीज होती है कि आपको पढ़ना क्यों है, इसका एक रीजन चाहिए होता है। और जब जिस दिन आपको एक पढ़ने का रीजन मिल जाता है ना, एक उसका कोज मिल जाता है ना, उस दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। ओके, तो आप इसका आंसर करिए सभी लोग फटाफट। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर ए आ रहे हैं ना, कल्पना, रामलाल, अखिलेश, नीलूबी, सालू, सालू शर्मा, यस, अंजलि भारद्वाज, रावल प्रजापति। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, सभी लोगों के राइट आंसर ए आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है इसको अपन समझेंगे। देखो ड्राउनिंग एपिसोड्स क्यों आ रहे हैं उसको, उसकी रेस्पिरेशन सही नहीं है, और रेस्पिरेशन के साथ ही साथ उसका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं है, इसीलिए बार बार वहां पे गिर रहा है। और इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया दिखाई देगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपरकार्बिया क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, हाइपरकार्बिया होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस यानी एसिड का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसके अंदर। किस तरह का एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एल्कालोसिस का मतलब होता है एसिड कम होना, और रेस्पिरेटरी की बात करते तो वहां पे हाइपरकैपनिया में इस तरह की कंडीशंस होती है। कोमा और हाइपरथर्मिया इस तरह की कंडीशंस भी नहीं होगी, क्योंकि कोमा में तो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ड्राउनिंग एपिसोड उसको कहां से आएंगे। और टेम्परेचर का तो यहां कोई मींस ही नहीं है, हाइपोथर्मिया भी नहीं हो सकता, हाइपोकैपनिया, एल्कालोसिस नहीं हो सकता वहां पे, और हाइपरथर्मिया, हाइपरऑक्सिया यदि होगा, इस तरह हाइपोक्सिया होगा, हाइपरऑक्सिया होगा तो वो खाना पीना अच्छे से लेगा, तो वहां पे ड्राउनिंग एपिसोड होंगे नहीं वहां पे, और एसिडोसिस वो जरूर वहां पे देखने को मिलता है। तो यदि तीनों ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ ऑप्शन ए के मिलते हैं, इसके अलावा ऑप्शन बी के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, सी के कुछ मिलते हैं, डी के मिलते हैं, बल्कि तीनों के तीनों ऑप्शंस किसके मिलते हैं, ऑप्शन ए के मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, एन एल्डरली क्लाइंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज। देखो कल की क्लास के अंदर भी मैंने अल्जाइमर्स डिजीज को आपको समझाया था, और यहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, अल्जाइमर्स डिजीज है, यानी ब्रेन के जो टिश्यूज है, जो ब्रेन की सेल्स है, वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक होने लग जाते हैं। ओके, और इसके अंदर होता क्या है, डिमेंशिया होता है, और ओल्ड एज में ही होता है अल्जाइमर्स डिजीज, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, सेनाइल डिमेंशिया भी बोला जाता है। तो जो अपना क्लाइंट है वो पहली बात तो एल्डरली है, यानी ओल्ड एज का है, और वो किससे सफर कर रहा है, अल्जाइमर्स डिजीज से सफर कर रहा है। सीन बाय द नर्स, नर्स उसको देख रही है, यूजिंग ए टूथब्रश हर हेयर। टूथब्रश से क्या करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, बल्कि वो महाराज जी क्या कर रहे हैं, बालों में टूथब्रश कर रहे हैं। ओके, नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज मैनिफेस्टिंग। उस तरह के पेशेंट के अंदर या इस तरह के ट्रम को अपन क्या बोलेंगे, एल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट में इस तरह की ट्रम को अपन क्या बोलेंगे। इसके साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, एल्जाइमर्स डिजीज में और क्या बोला जाता है, इसके अंदर इसका जो स्किल होता है वो इंपेयर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, स्किल इंपेयर हो जाता है, क्योंकि जो अपने ऑप्शन है वो इसी से निकल के आएगा। ओके, क्या हो जाता है, स्किल इंपेयर हो जाता है। ओके, ठीक है, ऑप्शन ए है, क्या इस ट्रम को अपन एफेजिया बोलेंगे, ऑप्शन बी क्या उसको अपन एनोमिया बोलेंगे, ऑप्शन सी क्या उसको अपन एप्रेक्सिया बोलेंगे, ऑप्शन डी क्या उसको अपने एग्नोसिया बोलेंगे। आंसर करिए सभी लोग। ओके बेटा, क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए पहले, अदर टर्म का डेफिनेशन बाद में बताइएगा।
प्लीज इसका पहले आंसर करिए सभी लोग, ओके। कुछ आगे बढ़ गए लोग, ओके। क्रुशकांत पटेल, एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाएगी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है ना, ओके। कोई बात नहीं, मैं भी सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही नहीं आ रहे हैं इसके। पहले मैं आपको इसकी टर्म को बताऊंगा, ओके। देखो एग्नोसिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टू अदर पीपुल, यानी अदर लोगों को जान नहीं पाना, इसको क्या बोलेंगे, एग्नोसिया बोलेंगे। इसके अलावा एप्रेक्सिया क्या होता है, अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करना, डू अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी, अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी, क्लियर है। इसके अलावा एनोमिया, एनोमिया का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, अनेबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ओके। इसके साथ एफेजिया का मतलब क्या होता है, बोल नहीं पाना, एफेजिया का मतलब होता है बोल नहीं पाना, अनेबल टू स्पीक, बोल नहीं पाना। तो पेशेंट यहां पे कर क्या रहा है, दांतों के टूथब्रश को कहां यूज कर रहा है, बालों में यूज कर रहा है, तो क्या एफेजिया हो सकता है, क्योंकि वो तो अनेबल टू स्पीक, बोलने का कोई मींस नहीं है यहां पे। एनोमिया, लैंग्वेज का भी यहां कोई मींस नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है एप्रेक्सिया, डू अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी, तो वह अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर तो रहा है, बल्कि वो गलत कर रहा है। इसके अलावा एग्नोसिया, यानी किसी को जानना भी यहां कोई मींस नहीं है, हालांकि इस तरह की कंडीशन इसमें नहीं होती है जल्दी सी, ओके। तो यहां पे क्या है, एप्रेक्सिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रहेगा, ओके ओके। दात्री राजेंद्र, सविता गुजर, हर्षा शर्मा, कल्पना, प्रतिमा कुमारी, ओके, वेरी गुड, सभी लोगों के अच्छे आंसर है इस बार, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिएगा, क्लाइंट एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड, पेशेंट है और पेशेंट ही अपना क्लाइंट होता है, क्लाइंट का जब भी नाम आएगा तो क्या समझेंगे, क्योंकि अपन को वकील तो है नहीं जो अपना क्लाइंट होगा, अपना क्लाइंट तो कौन आता है, पेशेंट होता है। और कहां एडमिट है, मेडिकल वार्ड में, कहां एडमिट है, मेडिकल वार्ड में एडमिट है। कंडीशंस क्या है उसकी, कन्वल्जेंस है, और वो आईवी रूट से क्या ले रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है, क्यों ले रहा है, कन्वल्जन को ट्रीट करने के लिए, क्यों ले रहा है, कन्वल्जन को ट्रीट करने के लिए। नर्स टेकिंग केयर ऑफ हर मस्ट बी अलर्ट फॉर विच साइन इज इंडिकेटिंग एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यहां पे नर्स को मेडिसिन देने से पहले कौन से साइड इफेक्ट को तुरंत मेजर करने की जरूरत है, कि कौन सा साइड इफेक्ट है जो भाई इंडिकेट करता है ड्रग्स के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट को, ओके। नर्स टेकिंग केयर ऑफ हर मस्ट बी अलर्ट फॉर विच साइन इज इंडिकेटिंग एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट वहां पे पेशेंट में आ रहा है, तो तुरंत के तुरंत उसको अलर्ट होने की जरूरत है। ऑप्शन ए, लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, उसको फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी स्लीपनेस, यदि वो जल्दी जल्दी सोने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है एब्सेंस ऑफ नी जरक रिफ्लेक्स, नी जरक रिफ्लेक्स है उसके एब्सेंस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन डी है डिक्रीज रेस्पिरेशन, उसकी रेस्पिरेशन डिक्रीज दिखाई दे रही है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी जिसमें उसको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है, ओके आंसर करिए सभी लोग। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उनमें से तीन ऑप्शन है जो राइट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वाइज आंसर करना है, क्या करना है, प्रायोरिटी आंसर करना है, आप आंसर करिए फटाफट। ओके सभी लोग आंसर करिए फटाफट।
ओके कुरुषकांत पटेल, वेरी गुड। ओके आपने अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, बल्कि मैंने आपको एक चीज बताई है यहाँ पे कि आपको प्रायोरिटी वाइज आंसर करना है, क्योंकि मुझे पता था कि आप मोस्ट ऑफ द यही आंसर करोगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी वाइज आंसर करना है। आंसर आपको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है। आपका आंसर सही आ रहा है, मैंने बोला था यहाँ पे तीन ऑप्शंस है जो राइट आंसर हो रहे, बल्कि आपको प्रायोरिटी आंसर करना है यहाँ पे। ओके प्रायोरिटी आंसर करिए आप लोग, आप लोगों का आंसर डी आ रहा है। ओके सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है, बल्कि प्रायोरिटी आंसर ये नहीं होगा बेटा। ओके प्रायोरिटी आंसर नहीं रहेगा। हर्षा शर्मा, राजेंद्र जाट, अखिलेश, प्रतिमा कुमारी, दात्री संभल, राजेंद्र जाट, सालू शर्मा, अखिलेश, सावित्री गुजर, हर्षा शर्मा। ओके वेरी गुड, सभी लोगों के एक ही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन डी, बल्कि बेटा डी ऑप्शन आंसर नहीं रहेगा। ओके ये इसका साइड इफेक्ट जरूर है, जब भी अपन मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो वहां देखेंगे उसकी रेस्पिरेटरी रेट ऑलरेडी डिक्रीज हो तो वहां नहीं देंगे, बल्कि प्रायोरिटी वाइज देखेंगे अपन। देखो क्या करता है ये, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करता है और नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। ओके और इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट स्लीपनेस है वो, यदि फ्रीक्वेंट स्लीपनेस रहेगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे पेशेंट कोमा में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने बुक्स में जितने भी एमसीक्यू डिस्कस किए होंगे वहां पे आपका यही ऑप्शन दिया हुआ होता है, और मैक्सिमम एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है, ये ऑप्शंस बहुत कम दिया हुआ रहता है। हालांकि एनक्लिक्स में तीन से चार जगह आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सेम एटीटीज भी मिल सकता है। ओके तो वहां जरूर ये ऑप्शन मिलेगा, बल्कि एग्जाम में या फिर आपने पीआर यादव जैसी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा तो वहां डिक्रीज रेस्पिरेशन सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होता है, बल्कि बेटा इसके अंदर जब फ्रीक्वेंट स्लीपनेस का ऑप्शंस दिया हुआ हो तो आपका प्रायोरिटी में आंसर ऑप्शन बी होगा, ए नहीं, सॉरी डी नहीं होगा। ओके तो आगे के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि गलतियां ही इंसान को महान बनाती है। आज गलत हुआ कोई बात नहीं, बल्कि नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, ए नर्स सस्पेक्ट दैट ए न्यूबोर्न इज एक्सपीरियंसिंग ओपोइड विथड्रॉल। देखो यहां पे एक बच्चा है, न्यूबोर्न है, और क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ओपोइड विथड्रॉल। विच असेसमेंट सपोर्ट दिस सस्पेंशन, इसके अंदर सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाला यहाँ पे असेसमेंट कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए, क्या वहां पे लिथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन बच्चे में दिखाई देगा। ऑप्शन बी, क्या वहां पे ग्रंटिंग एंड लोपिस कराई दिखाई देगा। ऑप्शन सी, इरिटेबिलिटी एंड नेजल कंजेशन वहां दिखाई देगा। ऑप्शन डी, वाटरी आई एंड रेपिड रेस्पिरेशन वहां दिखाई देगा। आंसर करिए सभी लोग। ओके वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर करिए बेटा, फटाफट जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। ओके सभी लोग आंसर करिए। क्लास को सभी के सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, सभी के सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके ओके जो मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं वो सी आ रहे हैं। ओके और कुछ लोगों के आंसर बी भी आ रहे हैं। ओके राजेंद्र जाट, कुरुषकांत पटेल, अखिलेश, विवेक शर्मा, कल्पना सोलंकी, धात्री संबल। ओके ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके वेरी गुड, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओके राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि जब भी ओपोइड को विड्रॉल करेंगे अपन तो वहां पे विड्रॉल सिम्टम आएंगे, क्या आएंगे, पेशेंट इरिटेबल दिखाई देगा, तो वो बच्चे में इरिटेबल दिखाई देगा और वहां पे नेजल कंजेशन दिखाई देगा। ओके और रैपिड रेस्पिरेशन वगैरह या फिर वाटरी आईज की कोई सिचुएशन वहां नहीं होगी, क्योंकि आईज के ऊपर इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। और ग्रंटिंग एंड लोपिस कराई ऐसा भी दिखाई नहीं देगा वहां पे, क्योंकि वहां पे विड्रॉल सिम्टम है। इस तरह की कंडीशन जब ओपोइड लेता है तो उस कंडीशन में दिखाई देती है, और लिथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन भी जब ओपोइड लेता है तो उस कंडीशन में दिखाई देते हैं, ना कि उसके अंदर विड्रॉल के अंदर होता है। ओके तो ओपोइड के विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं मदर के लेने के कारण से। ओके तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा, वहां पे इरिटेबिलिटी एंड नेजल कंजेशन वहां पे दिखाई देगा। ओके
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एन एक्सेवेशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी सीओपीडी का पेशेंट है एक और उसकी नर्स केयर कर रही है, एंड हिस्ट्री ऑफ टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलाइटिस। सीओपीडी तो है ही है, इसके साथ ही साथ उसकी सेकेंडरी डिजीज क्या है वहां पे, टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलाइटिस। टाइप सेकेंड का डायबिटीज का भी डायग्नोसिस है वहां पे, और उस कंडीशन में वहां पे रिक्वायरिंग इंसुलिन, क्या जरूरत है वहां पे इंसुलिन की रिक्वायर है पेशेंट को। क्लाइंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन, और उसको क्या एडवाइस किया गया है, प्रेडनिसोलोन। और प्रेडनिसोलोन क्या है, स्टीरोइड है। क्या है, स्टीरोइड है। द नर्स एंटीसिपेट विच नीड, नर्स को क्या करने की जरूरत है, पहले तो आप ध्यान रखिए पेशेंट का सीओपीडी डायग्नोसिस है, दूसरा डायग्नोसिस क्या है, टाइप सेकंड डायबिटीज मिलाइटस है उसको। उस कंडीशन के अंदर उसको प्रेडनिसोलोन यदि डॉक्टर ने चालू कर दिया तो उस कंडीशन में नर्स को स्पेशल रूप से क्या करने की जरूरत है, ओके। ऑप्शन ए, क्लोज मॉनिटरिंग फॉर हाइपोटेंशन, क्या वहां पे स्टेरॉइड देने से हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑप्शन बी, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीजिंग द प्रेडनिसोलोन डोज, धीरे धीरे प्रेडनिसोलोन की डोज है वो इंक्रीज करनी है। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द इंसुलिन डोज, इंसुलिन के डोज को अपन बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट, इनटेक आउटपुट को वहां पे मेजर करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है बस, बल्कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सभी लोग आंसर करिए, फिर क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, ओके। अखिलेश वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, ओके। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, ओके। कल्पना सोलंकी, दात्री सोमाल, अखिलेश, नीलू बी, हर्षा शर्मा, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। प्रेडनिसोलोन क्या है, स्टीरोइड है, और स्टीरोइड क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी होगी प्रेडनिसोलोन उसको चालू करेंगे तो टाइप सेकंड डायबिटीज मिलाइटस है, और टाइप सेकंड को ट्रीट किससे किया जाता है, इंसुलिन से ट्रीट किया जाता है, और टाइप फर्स्ट को किससे ट्रीट किया जाता है, मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे इंसुलिन से ट्रीट कर रहे हैं अपन, ऑलरेडी इंसुलिन उसका चल रहा है, बल्कि जब भी उसको प्रेडनिसोलोन अपन चालू करेंगे तो वहां पे इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि और बॉडी से इंसुलिन वहां पे ग्लूकोज तो बढ़ ही रहा है, और जैसे ही अपन स्टीरोइड देंगे तो इंसुलिन वहां पे ग्लूकोज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए इंक्रीजिंग द इंसुलिन डोज, क्या करेंगे, इंसुलिन की डोज को वहां पे इंक्रीज करेंगे, ओके। इसके साथ ही साथ ऑप्शन ए है, तो हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस वहां पे नहीं होगी स्टीरोइड से। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रेडनिसोलोन डोज, प्रेडनिसोलोन की डोज को जैसे ही अपन देते हैं उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको डिक्रीज किया जाता है, कभी इंक्रीज नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डोज दी जाती है, जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो लोडिंग डोज होती है। क्या होती है वो, लोडिंग डोज होती है, वो क्या होती है, लोडिंग डोज होती है। और जब फर्स्ट डोज लोडिंग उस डोज उसको अपन दे देते हैं तो उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे डोज को कम किया जाता है, ना कि वहां पे बढ़ाया जाता है, ओके। तो स्टीरोइड को डिक्रीज करने की जरूरत है, ना कि इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ऑप्शन बी भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट, तो ऐसा भी इससे अनरिलेट है, कभी भी इनटेक आउटपुट वगैरह की सिचुएशंस प्रेडनिसोलोन में करने की जरूरत नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, नर्स इज परफॉर्म मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन फॉर 94 ईयर ओल्ड क्लाइंट। देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, इस चीज को आप जरूर समझिएगा। नर्स एक पेशेंट है जिसको मेडिकेशन कर रही है, और उस पेशेंट की एज कितनी है, 94 ईयर, मतलब कंप्लीट होने वाला ही है, मींस कंप्लीट चरम सीमा पे अपनी, और रिकॉन्सिलेशन ऑफ मेडिकेशन उसको, उसकी एडवर्स ड्रग उसको दी जा रही है, हु इज टाइप सेकंड डायबिटीज। क्या है उसका डायग्नोसिस, सेकंड डायबिटीज है उसको। टाइप फर्स्ट को अपन किससे ट्रीट करते हैं, टेबलेट से ट्रीट करते हैं, सेकंड को किससे ट्रीट करते हैं, इंसुलिन से ट्रीट करते हैं, ओके। सेम इसी कंडीशन से आंसर बनेगा यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या है उसको, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तीसरी कंडीशन क्या है वहां पे, हार्ट फेलियर है, क्योंकि 94 ईयर ओल्ड है तो कॉमन सी बात है कि मल्टीपल डिसऑर्डर होंगे वहां पे। डायबिटीज सेकंड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हार्ट फेलियर है, कॉज्ड बाय
प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और हार्ट फेलियर कब हुआ है? प्रीवियसली उसको MI हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और उसके कारण से हार्ट फेलियर हो गया है। एक बार तो MI को ट्रीट कर दिया, इस बार ट्रीट होना देखते होता है कि नहीं होता है। ड्यू टू रिस्क आउटवेटिंग बेनिफिट्स द नर्स प्लान टू टॉक विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट डिसकंटिन्यू विच मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन है जिसको तुरंत डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है वहां पे? ओके, ऑप्शन ए एस्प्रिन 81 mg पर ओरल वंस ए डे। ओके, पीओ का मतलब होता है पर ओरल, पीओ जहां कहीं भी लिखा होता है उसको आपको समझना है पर ओरल। तो एस्प्रिन की टेबलेट है 81 mg की पर ओवल, यानी पर माउथ से उसको डेली एक देनी है। क्या ये ऑप्शन सही है या फिर इसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है? क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से अपने को वो चूज करना है जो सही नहीं है, जिसको डिसकंटिन्यू करना है। क्या एस्प्रिन को चलने देना है या बंद कर देना चाहिए? ऑप्शन बी फुरसेमाइड 40 mg पर ओरल वंस ए डे। फुरसेमाइड, फुरसेमाइड का काम क्या रहता है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और इंक्रीज यूरिन आउटपुट कौन करती है? ये कौन सी ड्रग है फुरसेमाइड? यहां पे डायूरेटिक्स है। ये क्या है? डायूरेटिक्स है। कौन सी है? डायूरेटिक्स है। तो क्या डायूरेटिक्स 40 mg पर ओरल वंस ए डे, इसको अपने को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? ऑप्शन सी है ग्लाइबुराइड, ग्लाइबुराइड 10 mg पर ओरल वंस ए डे। एक ग्लाइबुराइड टेबलेट चल रही है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है इवोथायरोक्सिन 50 mcg पर ओरल वंस ए डे। 50 mg की इवोथायरोक्सिन चल रही है जो थायराइड को ठीक करने के लिए होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए होती है, तो क्या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए? 50 mcg उसकी डोज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए? ग्लाइबुराइड क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिएगा। ये एक तरीके से जो अपनी जो डायबिटिक होती है फर्स्ट, उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है शुगर को ट्रीट करने के लिए, वो ही होती है ग्लाइकोबुराइड। जैसे एक तरह से बोल सकते हैं अपन ग्लेमिप्राइड, ग्लेमिप्राइड भी बोल सकते हैं इसको, ग्लेमिप्राइड। जो ग्लेमिप्राइड ड्रग होती है जो एक तरीके से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, तो उसी तरह से एक्शन करती है ग्लाइबुराइड। ओके, उसकी जो डोज होती है ग्लेमिप्राइड की वो 500 या फिर 1000 या फिर 1500 mg होती है, बल्कि जो ग्लाइबुराइड है उसकी डोज होती है वो 10 mg, 20 mg, 5 mg इस तरीके से होती है। बल्कि जो दोनों का एक्शन होता है वो सिंपल होता है या फिर एक जैसा होता है। और कई बार टाइप फर्स्ट डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए ग्लाइबुराइड और ग्लाइकोप्राइड दोनों को अपन साथ में भी देते हैं। ओके, एक तरीके से ग्लाइकोमेट भी बोलते हैं उसको। ओके, तो आप लोग आंसर करिए फटाफट, कौन सी मेडिकेशन को वहां पे डिसकंटिन्यू करना चाहिए? अच्छा आंसर सभी लोगों का नहीं आया है? टाइप सेकेंड को इंसुलिन से ट्रीट करते हैं और टाइप फर्स्ट को मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, टेबलेट से ट्रीट करते हैं। नीलू भी, सालू शर्मा, धात्री समल, हर्षा शर्मा, लूप डायरेटिक, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कल्पना सोलंकी, ओके, आंसर करिए सभी लोग। आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं क्योंकि यहां पे मैंने आपको क्या बोला है पेशेंट, ये कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पे? एक तो टाइप सेकंड डायबिटीज मिलाइटस है, तो क्या देंगे इसको? इंसुलिन देंगे, इंसुलिन देंगे। और इंसुलिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? टेबलेट है, तो इसको डिसकंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि टाइप फर्स्ट का डायबिटीज का मिलाइटस का ट्रीटमेंट थोड़ी है, ये तो टाइप सेकंड है। तो ऑप्शन सी वैसे राइट आंसर हो गया, बल्कि ऑप्शन ए है एस्प्रिन 81 mg। एस्प्रिन क्यों देंगे? हार्ट फेलियर का पेशेंट है, MI है, और MI में क्या हो जाता है? कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन क्या है वहां पे? एस्प्रिन है, जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को डिक्रीज करती है, वहां पे प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को वहां पे डिक्रीज करती है, जिनके कारण से कोई क्लोट ना बने, वहां पे प्लग ना बने। तो ऑप्शन ए की मेडिकेशन चलेगी वहां पे, ऑप्शन बी फ्रूसेमाइड भी चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हार्ट फेलियर है और फ्लूड को बाहर निकालना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फ्लूड ओवरलोड हो जाएगा। हार्ट फेलियर के पेशेंट को सदा वहां पे क्या दिया जाता है? वहां पे डायुरेटिक्स दी जाती है कि फ्लूड का वॉल्यूम कम करना है हार्ट के पास। जब कोई काम करने वाला इंसान है वो थक चुका है तो उसको काम ज्यादा दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। तो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हार्ट ऑलरेडी फेल है, तो उसको बॉडी में ज्यादा फ्लूड रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो अपन डायुरेटिक देके फ्लूड को बाहर निकाल देंगे, जिनके कारण से उसको पंप ज्यादा ना करना पड़े। ओके, तो फुरसेमाइड भी चलेगी वहां पे।
इसके साथ ही साथ इवोथायरोक्सिन, जब हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो थायराइड को ट्रीट करने के लिए इवोथायरोक्सिन ऑलरेडी वहां पे चलेगा पर ओरल, तो ये भी चलेगा। तो जो ग्लाइबोराइट है वो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है? तो ये अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट शुड बी ए नर्स प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? क्या कंडीशंस है यहाँ पे? सस्पेक्ट है, क्लियर नहीं है, बल्कि सस्पेक्ट किया गया है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है उस पेशेंट को। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो उस तरह की कंडीशन में प्रायोरिटी वाइज वहां पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन, यानी उसको सिटी स्कैन के लिए तुरंत प्रिपेयर करने की जरूरत है। ऑप्शन बी बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू ट्रीट हेडेक, उसकी हेडेक की मेडिकेशन उसको तुरंत एडमिनिस्टर करनी चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है, ऑप्टेनिंग एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी टू असेस फॉर कार्डियक डिसरिथमिया, तुरंत ईसीजी करने की जरूरत है क्योंकि वहां पे कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है उस पेशेंट को। ऑप्शन डी बोल रहा है, रोटेटिंग द क्लाइंट फ्रॉम फॉल्स ड्यू टू मसल वीकनेस, उसकी मसल की वीकनेस हो सकती है इसलिए उसको रोटेटिंग करने की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप सभी लोग आंसर करिए, आंसर करिए सभी लोग। ओके, क्लास को सभी लोगों ने लाइक किया है कि नहीं किया? सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बेटा वो क्वेश्चन जा सकता है, जा चुका है, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी कंडीशंस थी, कुछ और भी कंडीशंस थी। ओके, नीलू बी, सविता गुर्जर, धात्री सम्मल, माया ठाकुर, कल्पना सोलंकी। ओके, वेरी गुड, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्टेनिंग एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर होता क्या है, जो एल्डोस्टेरोनिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, क्या हो जाता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, यहां पे पोटेशियम इंक्रीज एंड सोडियम डिक्रीज इन ब्लड। ओके, क्या होता है, सोडियम डिक्रीज इन ब्लड। ओके सॉरी, यहां पे क्या करेगा, ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, क्या करता है सोडियम को इंक्रीज करेगा, यानी सोडियम इंक्रीज करेगा ब्लड में एंड पोटेशियम को डिक्रीज करेगा। और जब सोडियम इंक्रीज होगा यहां पे तो सोडियम के साथ क्या होता है, वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो वाटर भी बढ़ेगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, सोडियम इंक्रीज हुआ और क्या होगा वहां पे, वाटर भी इंक्रीज होगा, और पोटेशियम क्या होगा वहां पे, पोटेशियम डिक्रीज होगा। बल्कि पोटेशियम जब भी डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होता है, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है उसको, इसीलिए वहां पे क्या करने की जरूरत है, ईसीजी करने की जरूरत है, क्योंकि ईसीजी के द्वारा वहां पे कार्डियक डिसरिथमिया को अपन वहां पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन का कभी भी एल्डोस्टेरोन के साथ कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू ट्रीट हेडेक, तो हेडेक को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन अपन दे सकते हैं, बल्कि एल्डोस्टेरोन के साथ हेडेक हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है, वहां पे मसल वीकनेस हो सकती है तो उसको ट्रीट किया जाए, बल्कि प्रायोरिटी आंसर नहीं बनता है, क्योंकि पोटेशियम जब भी लॉस होगा तो वहां पे मसल वीकनेस जरूर होती है, बल्कि वहां पे प्रायोरिटी आंसर नहीं बनता है। प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा, ईसीजी करवाएंगे वहां पे और वहां पे कार्डियक डिसरिथमिया को डिटेक्ट करेंगे। ओके, कल्पना सोलंकी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को एक्सप्लेन करिए। ओके, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, देखिए एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, कहां से सिक्रेट होता है, आप समझिएगा इसको। देखो एल्डोस्टेरोन जब अपने एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दी अपन बोलते हैं, तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है
उसकी एक तो होता है एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, एक तो कोर्टेक्स होता है, एक होता है मेडुला, ओके। और जो इसका कोर्टेक्स होता है, मेडुला वाला तो इंटरनल पार्ट होता है और कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है। इस कोर्टेक्स की 3 लेयर होती है, ओके, यानी ग्लोमेरुलोसा, फासिकुलोटा एंड रेटिकुलरिस। और इनमें से एक लेयर से क्या रिलीज होता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। और जो एल्डोस्टेरोन है, इसका काम क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर सोडियम को क्या करता है? रिअब्सॉर्ब करता है, और पोटेशियम को क्या करता है? वहां से एक्सक्रीट करवाता है, ओके। जब सोडियम हाइपर एल्डोस्टेरोन में क्या होगा? एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, और जब एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो सोडियम बढ़ेगा। सोडियम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सोडियम को रिअब्सॉर्ब कराता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। जब सोडियम बढ़ेगा तो सोडियम का वाटर के साथ एट्रैक्शन होता है। क्या होता है? वाटर के साथ एट्रैक्शन होता है, और वाटर भी इंक्रीज होगा। वाटर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया होगा, हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, इस तरह की सभी कंडीशंस होगी। और पोटेशियम को क्या करता है? ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। क्या करवाता है? पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। और जब पोटेशियम एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। और जब हाइपोकैलेमिया एक तो एक्सक्रीट करवाने से डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा डाइल्यूशनल से भी हो रहा है, क्योंकि जब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, तो डाइल्यूशन से उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कम हो रही है, तो वहां पे हाइपोकैलेमिया ज्यादा हो जाएगा, यानी पोटेशियम का लेवल है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। और जब पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, और उससे क्या होगा? वहां पे कार्डियक डिसरिदमिया कोज हो सकता है। इसीलिए वहां पे तुरंत के तुरंत ईसीजी करवाने की जरूरत है, ओके? क्लियर है? समझ गए? तो ये अपने 30 क्वेश्चंस हो गए। इससे आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं 1 मिनट के लिए। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, ओके ना? ओके, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपका तो? ओके, नीलू भी बोल रहा है कौन सी लेयर से निकलता है एल्डोस्टेरोन? देखो, सबसे बाहरी बाहर वाली लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। और वहां से सिक्रेट क्या होता है? ग्लुकोकोर्टिकोइड सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा जो सेंटर वाली लेयर होती है उसको फासिकुलाटा बोलते हैं, और उससे कौन से निकलते हैं? मिनरलो कोर्टिकोइड सिक्रीट होता है। और जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या है? वो मिनरलो कोर्टिकोइड है। तो किससे निकलेगा? फासिकुलाटा से निकलेगा। और जो अंदर ही अंदर वाली लेयर है वो कौन सी होती है? वहां पे फासिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस होती है, जिससे कौन सा हॉर्मोन निकलता है? सेक्स हॉर्मोन, ओके, जिसको एंड्रोजन भी अपन बोलते हैं। क्लियर है? इसको मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन निकलता है, क्योंकि अपन ने एंड्रोक्राइन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो वहां सब कुछ बताया था वैसे मैंने आपको, ओके? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। कल क्लास होगी, इससे नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनकी, ओके? ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।